बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आज के कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले हम श्रीराज जी महाराज का आह्वान करेंगे। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, एक लड़ी पर दे सुमा, जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। मोने होती नींद लड़ी, मोने होती नींद लड़ी, तमे सोती मो की कारते, तमे सोती मो की कारते, जागी पियूजी न पासे, जागी जोता पियूजी न पासे, पछे तो थासे पर भाते, पछे तो थासे पर भाते, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। कलीने कहूँ चु तमने, कला कलीने कहूँ चु तमने, आओ जो आरे मारा मनना मनोरथ पुर जो, मनोरथ पुर जो श्री इंद्रावती लागे चरने, श्री इंद्रावती लागे चरने, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मपध नी प
मपगमारे ने सारे धनी रे इन विध साथ जी जागिए बताए धुरे जीवन जीवन इन विध साथ जी जागिए बताए धुरे जीवन श्यामा श्यामा जी साथ जी श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन जित बैठे चौक वतन इन विध साथ जी जागिए बता देवरे जीवन जीवन इन विध साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन याद करो सोई साईता याद करो सोई साईता जो हंसने माग्या के जो हंसने माग्या के सुखेल खुशाली लेके सुखेल खुशाली लेके उठो कीजे के लिए उठ लीजियो के लिए इन विध साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन जीवन इन विध साथ जी जागिए बताए दूरे जीवन सुरताए कई राखिए सुरत एक राखिए मूल मिलावे माहे सुरता एक राखिए सुरता एक राखिए मूल मिलावे माहे श्याम श्यामा जी साथ जी श्यामा श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं जाहे तले भौम बैठे हैं जाए इन विध साथ जी जागिए बताए दूरे जीवन जीवन इन वीर साथ जी जागिए बताए रे जीवन महमत कहे मोमिनो महमत कहे मोमिनो करमूला स्वरूप वर्णन मेहर करी मासूक ने मेहर
करी मासुकने ले जारु हाके तस करन करी जो रुहाके तस करन इन विध साथ जिदागिये पता तुहे जीवन जीवन इन विध साथ जिदागिये जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन जित बैठे चौक वतन इन विध साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन जीवन इन विध साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन बताए देवरे जीवन बताए देवरे जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब वक़्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। सब अंग देखो फेर के, प्राणी सुरक्षा अतीत ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए सागर ग्रंथ की जो अमृत धारा बहाई है उसकी एक बूंद भी यदि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो ऐसा लगेगा कि कहने के लिए दुखमय संसार है, इस दुखमय संसार में भी हमारे लिए सुख और आनंद का एक अनंत सागर क्रीड़ा करने लगेगा। आज राज्य के श्रृंगार जो तीसरा है उसकी विशेष चौपाई है श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन। श्रृंगार ग्रंथ की पहली चौपाई इससे शुरू होती है कि वर्णन करो रे रुचि हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। इसमें दो का श्रृंगार करना है, हमें अपनी आत्मा का भी श्रृंगार करना है और अपना जो प्राणेश्वर है उसका भी श्रृंगार अपने भावों से करना है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, दृश्यमान कितना भी सुंदर हो लेकिन जो देखने वाला है उसकी दृष्टि में भेद हो तो दिखाई नहीं दे सकता। हम अपना चेहरा स्वयं दर्पण में देखना चाहें, दर्पण में धूल लगी हो, दर्पण हिल रहा है या दर्पण के ऊपर किसी कागज या किसी ऐसी वस्तु का जो अपारदर्शी हो उसका आवरण कर दिया जाए तो हम अपने ही चेहरे को नहीं देख सकते। वैसे ही प्राणेश्वर अक्षरती तो नित्य नूतन श्रृंगार से युक्त है। श्रृंगार की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ सौंदर्य में कोई कमी हो, जो सौंदर्य का अनंत सागर है उसके श्रृंगार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम जितनी सुंदरता की कल्पना करेंगे राजी श्यामा जी का श्रृंगार उतनी ही अनंत गुना दिखाई पड़ेगा। अब यह क्यों किया गया है? कहा गया है कि श्रृंगार क्या शब्द है वस्त्र या भूखन, क्योंकि हम इस माया के संसार में रह रहे हैं, चाहे माया का संसार हो चाहे परम धाम। आशिक यही चाहता है कि मेरा मासूक नित्य नवीन शोभा से युक्त रहे, उस भावना के आधार पर यह बात कही गई है, अन्यथा राज्य के श्रृंगार में कभी कमी नहीं होती है। और ये भी चीज हमें हृदयंगम करनी होगी कि राज्य श्यामा जी का श्रृंगार हल पल उन्हीं का नहीं, परम धाम की हर ब्रह्मात्मा का, हर पशु पक्षी का,
नित्य नूतन ही बना रहता है, नवीनता है, लेकिन नवीनता में कोई विकृति नहीं आती। ऐसा नहीं कि पुराने श्रृंगार नष्ट होगा, एक पल में करोड़ों रूप बदल जाते हैं। अब राज्य के उस श्रृंगार को हमने हृदय में बसाना है तो हमें अपना भी श्रृंगार करना पड़ेगा। अपना श्रृंगार कैसे? क्योंकि हमारे अंदर देखने की पात्रता तो हो जाए इस श्रृंगार को सजाने के लिए। हमें आत्मा का श्रृंगार जो प्रेम और समर्पण के आभूषण से सुसज्जित होता है। यदि हमारे पास प्रेम नहीं है राज्य के लिए, समर्पण नहीं है, तो दीदार कैसे हो जाएगा? और इसके लिए एक बात कही जाती है कि यदि आपको समर्पण चाहिए तो विश्वास पहले लाना होगा। बिना आकिने इश्क कबू न हुआ किन। यदि आप में विश्वास ही नहीं है तो प्रेम नहीं आएगा। बिना विश्वास के समर्पण नहीं आएगा, बिना समर्पण के विरह नहीं आएगा, बिना विरह के प्रेम नहीं आएगा। हमारे लिए धामदेनी ने एक सरल रास्ता बताया है, ज्ञान और प्रेम का। ज्ञान हमें दर्शाता है कि जो हमारा प्राणेश्वर अक्षर अतीत है वो हर पल हमारे निकट है, प्राण की नली से भी निकट, और वही हमारा एकमात्र है। यदि वाणी का यह रस हमारे हृदय में बस जाता है तो हमारी आस्था परिपक्व हो जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं, संसार के सभी रिश्ते हमें छोड़ सकते हैं, राज्य कभी नहीं छोड़ेंगे। और यह विश्वास का जो महल हमारा खड़ा होता है उसमें समर्पण की सुगंध तभी से शुरू हो जाती है। जब समर्पण और विश्वास परिपक्व हो जाते हैं तो हृदय तड़पने लगता है उस प्रीतम को पाने के लिए। इसको कहते हैं विरह की अवस्था। और जब विरह की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं तो कहते हैं यहाँ के भावों में कि अब इनको प्रेम हो गया है, इश्क हो गया है। क्योंकि यहाँ मिलन तो अभी हुआ नहीं, इश्क कहाँ से हो। लेकिन जो हमने वाणी में पढ़ा है कि महामती जी को राज्य का श्रृंगार इस रूप में दिखा, हमारे अंदर भी भावना होती है कि हम क्यों नहीं देखें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चितवनी के पथ पर चलने के लिए वाणी का निर्देश होता है। चितवनी में तीन तरह की साधनाएं हैं। पहली साधना है तन की साधना, दूसरी साधना है मन की साधना, और तीसरी साधना है जीव की साधना। तन की साधना में मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा। सुंदर साथ बहुत हल्के में लेते हैं इसको, क्योंकि जब आलस्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तो सौ बहाने ढूंढने लगता है। सुंदर साथ का कहना होता है क्या करें, हम तो चलते फिरते राज्य का ध्यान कर लेते हैं। आप सोचिए, चलते फिरते ध्यान होता तो श्री देवचंद जी भी ऐसा कर सकते थे। हम देवचंद जी से तो बड़े नहीं हैं। आपने अभी तक में सुना है कि देवचंद जी बांके बिहारी को भोग लगाते हैं और उसके पश्चात ध्यान करके बैठ जाते हैं। एक दिन चितवनी में उनको दर्शन होता है, वे स्वयं को राधा के रूप में देखते हैं और अखंड ब्रज में पहुंच जाते हैं। कृष्ण के साथ घुगनी का प्रसाद होता है, उसको खाने का प्रयास जैसे ही करते हैं भाव में विह्वल होकर तो हाथ जमीन से टकरा जाता है और जो दर्शन हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। जिस तन में श्यामा जी की आत्मा है केवल हाथ के टकराने से दर्शन से वंचित हो जाती है, तो हम कैसे संभव है कि हम चलते फिरते राज्य को, युगल स्वरूप को, परमधाम के 25 पक्षों को देख लेंगे? ऐसा नहीं है। आपको पहली साधना करनी होगी शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठने की। जब बिना हिलाए डुलाए एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे का अभ्यास हो जाए तो क्या होगा, आपको शरीर की प्रतीति नहीं रहेगी। और ये मुख्य बिंदु है, मानव तन से परे जब हम हट जाएं, हम स्वयं को परात्म की भावना में रखें। वाणी में एक बार नहीं अनेकों जगह निर्देश दिया गया है कि जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म। हमारा मूल स्वरूप क्या है? परात्म। हमने तो मिट्टी का तन यहाँ लिया है, सपने का तन है, और ये सपने का तन हमेशा बदलता रहता है। बचपन में हमारा चेहरा कुछ और था, युवावस्था में कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। मान लीजिए यदि हमारी उम्र 72 साल की हो जाए, 75 साल की हो जाए, या 80 साल के हम वृद्ध हैं,
हमारे पीठ में भी टेढ़ापन आ गया है, चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, सिर के बालों में सफेदी, आंखों पर चश्मा है, कैसे प्रेम होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि तो शरीर की बनी ही रहेगी। इस ध्यास शास्त्रीय भाषा में कहते हैं देह की प्रतीति, देह का आभास न होना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे श्री देवचंद जी को यदि घुघनी का प्रसाद खाते समय हाथ टकराया नहीं होता तो शायद उनको दर्शन का जो सौभाग्य मिल रहा था वो बंद नहीं होता। हम इस तरह से बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करें कि धीरे धीरे हम खो जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो क्या है, अक्षरातीत। हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सज रही है, शरीर से जब भूलेंगे तभी हम आत्मिक भाव में लगेंगे, अन्यथा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, कमर झुकी पड़ी है, थोड़ी देर में दर्द हो जाएगा, क्या कहेंगे हम, अरे दर्द होने लगता है। पहले तो शरीर भाव हटाइए, केवल जान से भी नहीं हटेगा, जान से भी हटेगा और अभ्यास से भी हटेगा। ज्ञान दृष्टि तो सभी जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए जब आप बिना हिले डुले बैठेंगे तो धीरे धीरे शरीर को भूल जाएंगे। हाँ, इस अवस्था में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको निद्रा के झोंके लग सकते हैं। यदि आपका आसन सिद्ध हो गया तो जैसे बिस्तर पर बैठने का जो आनंद होता है वही आनंद ध्यान में बैठने का होगा। यदि आपने भोजन की गरिष्ठता बढ़ा दी है, मात्रा से अधिक भोजन किया है, ध्यान भंग हो रहा है तो निद्रा लग सकती है, लेकिन निराश ना होइए, ये झपकी है, इसको योग निद्रा कहते हैं। जैसे ही निद्रा आपकी पल भर के लिए लगेगी, आप निद्रा को तोड़ेंगे तो आपका सीधे ध्यान वहीं पहुंचेगा जहां आप पहले ध्यान कर रहे थे। इसलिए जो तन की जो साधना है इसको कहते हैं आसन सिद्धि। दर्शन शास्त्रों में कहा गया है आसीना संभवात, या इसका अर्थ क्या होता है, जो दृढ़ आसीन नहीं हो सकता, बिना हिले डुले नहीं बैठ सकता, वो ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है मन की साधना, तन की साधना नींव है। किसी मकान की नींव यदि कमजोर हो तो उसे ऐसा नहीं की जा सकती कि बहुमंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही ऊंची मंजिल वाले भवन का निर्माण हो सकता है। यदि आपका आसन ही सिद्ध नहीं होगा, किसी रोग से ग्रसित हैं, आप शांति से बैठ नहीं सकते, तो ऊंचे स्तर की ध्यान साधना कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे समाज में एक नकारात्मकता का ऐसा माहौल है। पहले तो कोई चितवनी करता नहीं, कोई करने जाता है तो उसको 10 लोग टोकते हैं, अरे क्या कर लोगे, परम धाम के होंगे तो ले जाएंगे राज्य। उससे भी आप बाहर निकलिए, करने बैठते हैं तो कहते हैं अरे बैठ करके क्या करोगे, चलते फिरते चर्चनी याद कर लो, सागर श्रृंगार की चौपाइयाँ याद कर लो, चलते फिरते ध्यान हो ही जाता है। एक चौपाई रट लिए, ना कुछ जोगारम कष्ट, यही चल दिखाई ब्रह्मशिष्ट में, ये ब्रजरास में, ब्रज में। तो आप सोचिए, ब्रज की गोपियों का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो ब्रज की गोपियों के सामने उनके कृष्ण थे, उनको आंखें बंद करके ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। जो स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहा हो सवेरे से लेकर शाम तक, चलिए यदि सवेरे से लेकर शाम तक गायों को बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, लेकिन सवेरे तो मिलते हैं, संध्या से लेकर रात तक कृष्ण के साथ गोपियों को मिलना है, तो वो तो भावात्मक प्रेम उनका बना ही रहेगा, उनको आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होते हैं, मीराज के तन में विराजमान होते हैं, सब सुंदर साथ उनको युगल स्वरूप के रूप में मानकर रिझाते हैं। लेकिन आज मीराज का तन तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसा तन था वो हमें ये भी पता नहीं, युगल स्वरूप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो हमें अंतःचक्षुओं से तो देखना पड़ेगा, और देखने के लिए अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया, और चलते फिरते न ध्यान हुआ है न कभी हो सकेगा। इसलिए स्थिर सुखम आश्रम योग दर्शन कहता है कि स्थिरता पूर्वक सुख से बैठें,
दूसरी चीज मन का आसन, मन की साधना, तन की साधना, मन की साधना। मैं अभी कह रहा था आपके पास 15 लाख या 25 लाख की कार है, बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका एक तार खराब हो जाए, कहीं टूट जाए अंदर मशीनरी का, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? तार कितने का होगा? कुछ रुपए का, 100-200 से ज़्यादा का तार नहीं होगा। लेकिन उस तार के टूटने से 15-20-25 लाख की गाड़ी एक कदम भी नहीं चल पाएगी। वैसे ही आप इसको हल्के नल में न लीजिए कि तन की साधना के लिए वाणी में कहाँ लिखा है। वाणी में प्रत्येक वस्तु नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये अक्षर अतीत की वाणी है, परम धाम का वर्णन करना है। ये सामान्य रूप से हर कोई जानता है कि किस चीज़ को कहाँ से लिखा जाएगा। जब बीतक में दृष्टांत दे दिया गया कि हाथ के टकराने से देवचंद जी को दर्शन बंद हो गया, तो इसे सबको शिक्षा ले लेनी चाहिए कि चितवनी के लिए बिना हिले डुले बैठना आवश्यक है। एक सज्जन बहुत महान है, वो कहने लगे कि वाणी में कहाँ लिखा है कि आचार न खाओ, श्री जी तो आचार खाते थे। प्रश्न यह है कि आप श्री जी तो नहीं हैं। श्री जी के स्वरूप में जो महाराज का जीव है, हिमालय का महान योगी पूर्व जन्म का ही है। उन्होंने पूर्व में ही इतनी साधना कर रखी है कि सारे जीवन में भी लग करके आप नहीं कर सकते, तो अपनी तुलना हर चीज में उनसे करना। लेकिन महाराज ने तो 6 महीने हफ्ते में विरह में तड़पाया था, वो विरह की अवस्था तो आप 2 दिन भी नहीं ले सकते। मन को साधने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन चंचल है, भागता रहता है। जब आप युगल स्वरूप की शोभा में लगाते हैं तो स्वाभाविक है इस मन के अंदर जो लाखों करोड़ों जन्मों का संसार बसा हुआ है, उस संसार के चित्र उभरने शुरू होते हैं। उन लाखों जन्मों में इस बेचारे मन ने काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार में खूब क्रीड़ा की है, विषय वस्तुओं का बोझ ढोता रहा है। वो चित्र जो चित्त में समाहित हैं मन के अंदर उभरने लगते हैं और मन उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। इस तन में भी उसने जितना कुछ देखा है, किसी से बात किया है उस बात की याद आ जाएगी, आप व्यवसाय करते हैं बिजनेस की कोई ना कोई बात मन में आ जाएगी, पढ़ाई करते हैं ज्ञान की कोई ना कोई बात आ जाएगी, इस जन्म का पूर्व जन्म के सारे विचार उसी समय प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि बाहर इसने देखना बंद कर दिया है। जब बाहर देखना बंद किया तो इसके अंदर जो विचार का द्वंद्व चल रहा है लाखों जन्मों से, वो सारे प्रभावित होते हैं। उनको शांत कैसे करें? क्योंकि जब तक बाहर और अंदर के द्वंद्वों से नहीं उठेंगे, तब तक संसार से परे कैसे हो जाएंगे? सामान्य सी बात तो कहने को कह दी जाती है कि पिंड ब्रह्मांड से परे होंगे तो प्रीतम मिलेंगे। पिंड को तो हमने देखना बंद कर दिया, ब्रह्मांड को भी देखना बंद कर दिया, किंतु अंदर में जो हमारे पिंड और ब्रह्मांड है, इसको मिटाने के लिए मन को शांत बनाना होगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, और ये होगा आहार की शुद्धि से। साधना का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहेगा कि हम साधना कर रहे हैं। तो सुंदर साथ इतना कट्टरवादी हो गया है, वो भूल जाता है कि जो शब्द वाणी में नहीं है तो क्या उसका कोई प्रयोग ही न करे। ऐसा नहीं है कि वाणी में साधना शब्द नहीं है। हमारे समाज के विद्वान यदि साधना शब्द की चर्चा न करें तो इसका अर्थ क्या है कि क्या कोई साधना शब्द का प्रयोग ही न करे? साधना का अर्थ क्या होता है? साध्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं साधना। वाणी में एक चौपाई आती है, या वैराग जो साधना, साधना शब्द है। लेकिन हाँ, उनका जो मार्ग था साधना का, भटकाव वाला था। संसार में जिन्होंने भी ध्यान साधनाएं की हैं, उन्हें परमात्मा के स्वरूप का पता ही नहीं है। कोई साकार में मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है, कोई निराकार में, कोई आकाश में, कोई ज्योतिर्बिंद को लेकर मन को धारणा में बनाता है, कोई सागर की लहरों को लेकर बनाता है। अलग अलग प्रक्रियाएं रही है। वेदांत कहता है कि धारणा किसकी होनी चाहिए? केवल परमात्मा की धारणा होनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप और धाम का पता ही नहीं है तो संसार कहाँ से ध्यान लगाता?
किंतु हम साधना शब्द से ही चिढ़ जाते हैं। कट्टरवाद किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि हम संसार के सभी लोगों को अपने हृदय रूपी आंगन में स्थान दे सकें, उनके विचारों को सुने और अपने परमधाम की अमृत वर्षा से उनको तृप्त करें। यदि हम कट्टर पंथ का रास्ता अपना लेंगे कि इस शब्द का क्यों प्रयोग कर दिया, ये तो हमारी वाणी में नहीं लिखा है, तो याद रखिए आप वाणी को न फैला पाएंगे, न चितवनी को फैला पाएंगे, न अपनी आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो दूसरी साधना की मैं बात कर रहा हूँ वो है मन की साधना। मन की साधना के लिए आहार की शुद्धि होना आवश्यक है। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ध्रुआ स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम वही प्रमुख छ। स्मृति की प्राप्ति हो जाए तो सभी अज्ञान में ग्रंथियों से छुटकारा हो जाए। स्मृति क्या है? मैंने एक दिन चर्चा में बोला था, हमें ज्ञान दृष्टि से बताया जा रहा है कि हम परमधाम के रहने वाले हैं ताकि हमारी स्मृति ताजा हो जाए। हम सात्विक आहार करेंगे उतना ही जितना कि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, तो क्या होगा, हमारी स्मृति शुद्ध होती जाएगी। स्मृति के शुद्ध होते ही सत्य पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम, योगदर्शन ने बहुत ऊंची बात की है। सत्य पुरुषयो बुद्धि शुद्ध हो जाए और जीव शुद्ध हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर सात्विक आहार न दिया जाए। कितना भी बड़ा हिमालय का योगी हो, यदि उसको शराब पिलाया जाए और कहा जाए कि समाधि लगा लो, तो क्या वो लगा सकता है? आहार ही है जो मनुष्य को राक्षस बनाता है, आहार ही है जो मनुष्य को देवता बनाता है, आहार ही मनुष्य को योगी बनाता है। इसलिए जब तक आप आहार की सात्विकता पर ध्यान नहीं देंगे, आपका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। मैंने जो दूसरी बात कही, तन की साधना के पश्चात मन की साधना। मन भागता है, भागने दीजिए, आप विचलित न होइए। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में आप इसको लगाइए। इसलिए वाणी बार बार कह रही है कि वर्णन किया हक सूरत का रूह देखा चाहे फेर फेर। आत्मा बार बार देखना चाह रही है। यही अर्श दिल रूह के बैठे श्रृंगार कर। अब प्रियतम अक्षरातीत अपने नख से सिख तक श्रृंगार के साथ मासूक को अपने हृदय में बसाना है तो मासूक भी तो सौंदर्य की पराकाष्ठा में ही दीदार देगा। इसके लिए हमें अपनी भी आत्मा का श्रृंगार करना है। जैसे श्रृंगार की पहली चौपाई में कहा है, वर्णन करो रे रोजी हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। हम अपनी आत्मा का श्रृंगार करें और प्रीतम अपनी आत्मा का श्रृंगार करें। बैठे श्रृंगार कर, यही अर्श दिल रूह के बैठे श्रृंगार कर। राज्य अपना श्रृंगार करके बैठे हैं, किंतु यदि हमारे मन में भावना हो कि हम राज्य के अपनी इच्छा के अनुसार श्रृंगार करें, तो हमारी इच्छा लेते ही राज्य के श्रृंगार भी वैसा ही दिखने लगेगा। राज्य की शोभा को संसार के वस्त्र और आभूषणों से नहीं तोड़नी चाहिए कि यही सीमा है। महामती जी की आत्मा को जो कुछ दिखा वह उनके जीव के भावों के अनुसार दिखा, क्योंकि वाणी में जो वस्त्र और आभूषणों का वर्णन है अधिकतर गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है कि परमधाम में केवल गुजराती और राजस्थानी आभूषण है, वो तो इस दुनिया के भावों से दर्शा दिया गया है। परमधाम की शोभा को किसी स्थान विशेष की, देश विशेष की भाषा से, वेशभूषा से आप बांध नहीं सकते। पाग होत कई कोट पल में, एक पल में करोड़ों रूप हो जाते हैं। यदि हमारी इच्छा हो कि पाग का रूप न दिखे तो नहीं दिखेगा। जो आप चाहेंगे वही दिखेगा, क्योंकि अक्षरातीत को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। हमारा मन समर्पित हो, भावुक हो, प्रेममयी हो, इसके लिए उस प्रेम के स्वरूप को प्रतिदिन ध्यान में लाना होगा। बैठते बैठते
ये मन सध जाएगा। एक बोलचाल में कहावत कही जाती है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। एक रस्सी को बार बार कुएं के मुंडेर से खींचा जाता है तो रस्सी की रगड़ से पत्थर की बनी हुई जो मुंडेर होती है वो भी घिस जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप चितवनी करेंगे और मन आपके बस में नहीं होगा। सुंदर साथ पहले ही धैर्य खो देते हैं, क्या करें मेरा मन ही बस में नहीं होता। मन तो पल भर में भी बस हो सकता है। मन में समर्पण का भाव आ जाए, मन केवल ये सोच ले कि मेरा केवल प्रीतम है और मेरा हृदय उनका है, तो निश्चित है कि इसके बस में देरी नहीं लगेगी। किंतु हमने अपना मन किसी और को दिया होता है, दूसरे को दिए हुए मन से राज्य का ध्यान करना चाहते हैं तो कहां से ध्यान लगेगा। सबसे बड़ी भूल यही होती है। दूसरी चीज जो मैंने मन के बारे में कही है, योग दर्शन में भी कहा है और गीता में भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा। मन की वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। मन नहीं लगता है राज्य की शोभा में, आप लगाइए। संसार के सुखों की तरह मत देखिए, क्योंकि ये जो सुख है आपके और प्रीतम के बीच में एक दीवार बनकर के खड़े हो जाते हैं। इनकी जो आसक्ति है, तृष्णा है, आपके मन को और चंचल बना देती है। आप चितवनी कर रहे हैं, आपका मन भागने लगा है, भागते भागते आप स्वादिष्ट भोजन की तरफ चले जाते हैं कि कल मैं ये चीज खाऊं। आप वस्त्र और आभूषणों के बीच में चले जाते हैं कि इतने लाख रुपए होते तो इतना सुंदर आभूषण खरीद लेता, हीरे का हार खरीद लेता। ये क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। यदि आपका मन केवल राज्य के लिए समर्पित हो गया, केवल राज्य को चाह रहा है कि मेरा हृदय उनका है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो इसको एकाग्र होने में कितनी देर लगेगी? यह है मन की साधना। आहार की शुद्धि कीजिए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो परिणाम होगा कि चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, बुरे संस्कार दबने शुरू होंगे या जलकर राख होने शुरू हो जाएंगे और आपका मन पूर्णतया शांत होने लगेगा। तीसरी है जीव की साधना। तीन साधनाओं से गुजरना पड़ेगा, तन की साधना आसन सिद्धि, मन की साधना मन का शांत और समर्पित होना, और तीसरा है जीव की साधना, जीव आत्मभाव को ग्रहण कर ले। किसी भी व्यक्ति को जब कहा जाता है कि देखो चितवनी करनी है तो आपको अंगना भाव लेना पड़ेगा, तो उसको पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अंगना भाव का अर्थ क्या होता है? माधुरिता की भावना। यह स्त्री पुरुष का प्रसंग नहीं है। अध्यात्म में आत्मतत्व तो यही कहता है कि आत्मतत्व तो को स्त्री और पुरुष की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। स्त्री के शरीर की आकृति कुछ भिन्न होती है पुरुष से, इसलिए उसको कहते हैं कि यह स्त्री है, ये पुरुष है, किंतु दोनों में तो आत्मतत्व तो एक ही होता है। परमात्मा के नाम वेद शास्त्रों में स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है। जैसे आदित्य और अदिति, वेद में भी यही बात कही गई है। वेद में भी परब्रह्म को युगल स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आदित्य और अदिति में क्या अंतर है? आदित्य शब्द पुल्लिंग है, अदिति शब्द स्त्रीलिंग है। सविता और सावित्री, सविता शब्द पुल्लिंग है, सावित्री शब्द स्त्रीलिंग है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जो आदित्य का अर्थ होगा वही अदिति का अर्थ होगा, जो सविता का अर्थ होगा वही सावित्री का अर्थ होगा, लेकिन एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। इस आधार पर जब हम जीव भाव को छोड़ें कि न मैं पुरुष हूं न स्त्री हूं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूं और मेरा श्रृंगार क्या है? वही जो एकत्व में होता है, वैद्यत्व में होता है, जो श्यामा जी का श्रृंगार है वो मेरा श्रृंगार है। हम कितने पाप कर चुके हैं, काम क्रोध मद लोभ से ग्रसित हैं, इसका चिंतन न करें। हाँ, चिंतन ये करें कि बुरे विचारों को हम छोड़ें, लेकिन हम निराशावाद में बंध जाएं कि हमसे तो बहुत पाप हो चुके हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम चितवनी नहीं कर सकते, तो ऐसे विचारों को अध्यात्म में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जिससे कभी कोई पाप ना हुआ हो, कोई बुरे कर्म न हुए हों, या किसी के मन में बुरे विचार नहीं आते हों।
प्रत्येक प्राणी के मन में ये स्वाभाविक है, किंतु जब हम उसके निदान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ध्यान की अग्नि में लाखों करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि कर्म तो भोगना पड़ता है, ये विषय वहां नहीं है। बस इतना कहूंगा, संचित और क्रियमाण समाधि की अग्नि से परमात्मा के साक्षात्कार के पास दग्ध हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध होता है वो भी थोड़ा रह जाता है। हाँ, जो सभी जन्मों के जो विकार रूपी पहाड़ हैं वो तो जलकर राख हो ही जाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध कब होगा? जब हमारा जीव भाव हट जाएगा, आत्मभाव जागृत हो जाए। और आत्मा को क्या करना है? परात्म का श्रृंगार सजना है, जो मूल स्वरूप है अपने। जागो कहिए पर आत्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग खसम। परात्म के श्रृंगार में ही हमें प्रीतम का दीदार होना है। आप सोचिए, हम मूल मिलावे में बैठे हैं, हिल डुल सकते नहीं, राज्य के सामने बैठे हैं किंतु राज्य को देख नहीं पा रहे, तो यमुना जी में स्नान कौन करेगा? आत्मा क्या है? परात्मा का ही तो प्रतिबिंब है। जब आप नींद में होते हैं, सपना देखने लगते हैं, तो आपके एक सपने का तन बम्बई में जाता है, जो आपके वास्तविक तन जैसा ही होता है। जो बम्बई में तन गया होता है, सारा काम करता है, लेकिन उसका कोई वजन नहीं है, उसका रूप रंग वास्तविक तन जैसा ही दिखेगा। और उस तन के साथ जो भी होता है वो आपको अनुभव में आता है। उस तन को कोई चांटा मार देता है तो सपने में आप बार बार कहते हैं, जब सपना टूटता है, कि मैं सपने में आज मुंबई गया था, मुझको किसी ने चांटा मार दिया। आप तो सो रहे थे दिल्ली में, आप मुंबई में, आपका प्रतिबिंब रूप गया सपने में और वो चांटा खाया, और सवेरे असल तन बोल रहा है कि मैं तो बम्बई में सपने में गया था, मुझे चांटा पड़ गया। हो सकता है चांटा खाने के बाद आप बिस्तर से उठ करके खड़े भी हो जाए, बाद में बताया जाएगा या आपको आभास होगा कि मैं तो सपने में देख रहा था, वास्तविकता कुछ और थी। आप यही सोच लीजिए कि आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। इसलिए जीव के स्तर की जो साधना है अहं को समर्पित करने की, वो पापी है या पूर्ण आत्मा ये विषय नहीं है। मेरे जीव सुहागी रे तू क्यों न करे पीसु पहचान। जीव में भी ये भावना आ जाए कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, वो वाणी के प्रकाश में अपने हृदय को निर्मल की तरह, निर्मलता की तरफ ले चले, समर्पण भावना उसके अंदर आ जाए, विरह के आंसुओं से वो इतना कोमल हो जाए कि उसको लगे कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं जीव हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। ये तीन चीजों की तैयारी करनी होती है सुंदर साध को। तन की साधना आसन सिद्धि के रूप में, मन की साधना मन को शांत और समर्पित बनाने की, और जीव की साधना आत्मभाव लाने की, विरह की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाने की। यदि आप इन तीन को बढ़िया से क्रियान्वित कर लेते हैं तो आप चितवनी में 80% आपने मंजिल पूरी कर ली। आगे केवल एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नयन नजर भर जी। ये है बैठाओ रू के अंदर जो श्रृंगार की पहली चौपाई में कहा है, वर्णन करो रे रू जी हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। तीनों साधनाओं के बाद आपकी आत्मा का श्रृंगार होगा। आपने केवल मन में सोच लिया कि मेरी आत्मा परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है, जैसे श्यामा जी के आभूषण है, तुरंत आपने विचारों के प्रवाह में उसको धारण कर लिया, तो ये श्रृंगार नहीं हुआ। जैसे श्रृंगार करने के लिए स्नान करना पड़ता है, शरीर की मैल हटानी पड़ती है, पहले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, तब आभूषण धारण करने पड़ते हैं, उसी तरह से आत्मा का श्रृंगार करने के लिए तन की साधना से गुजरना पड़ेगा, मन की साधना से गुजरना पड़ेगा और जीव की साधना से गुजरना पड़ेगा,
तब आपकी आत्मा का श्रृंगार सज जाता है। आत्मा परात्म के भाव में विचरण करती है, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलती है और युगल स्वरूप को साक्षात देखती है। इसलिए अब उसके लिए राजी क्या करेंगे, श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन। जैसा हम सोचते रहे हैं हमारी आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए, राज्य भी नक से सिक तक श्रृंगार सजकर हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। इस प्रकरण की पहली चौपाई ही शुरू होती है, फिर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपित। बार बार स्वरूप को देखना है, जितना देखते जाएंगे हमारे नेत्र तृप्त नहीं होंगे। संसार की भी यही कहानी है, आप कितना भी खाते जाइए स्वादिष्ट भोजन, जीवा को तृप्ति नहीं होती है। किसी सुंदर वस्तु को देखिए, सुंदरता को देखने से मन तृप्त नहीं होती है, मन को तृप्ति नहीं होती है। हाँ, जब विवेक आ जाएगा तो मन हट जाएगा। काल माया के ब्रह्मांड में विशेषता है कि कोई भी वस्तु लंबे समय तक सुंदर नहीं दिखती और इच्छा होती है कि इसके आगे भी कुछ और होगा। किंतु परम धाम में जो राज्य का स्वरूप दिखेगा उसमें एक विशेषता रहेगी, हमारी आत्मा सौंदर्य के सागर में डूबते डूबते स्वयं को भूलती जाएगी, लेकिन उस सौंदर्य की थाह नहीं लगेगी। उसको इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि नैना होई नहीं तृप्त, यानी सौंदर्य की कोई सीमा है तब तो तृप्ति मिल गई। जो अनंत सौंदर्य है, उस अनंत सौंदर्य के सागर में हमारी आत्मा एक मछली की तरफ तैरने लगती है, जिधर देखती है उधर सौंदर्य का सागर। राज्य के गालों की तरफ दृष्टि जाती है, होठों की तरफ जाती है, आंखों की तरफ जाती है, माथे पर जाती है, गले में जाती है, वक्षस्थल पर जाती है, तो कभी इच्छा ही नहीं करेगी कि उधर से नजर हटाए। श्रृंगार में तो स्पष्ट कह दिया है, एक अंग छोड़ जाए और लगे सो नहीं आशिक को काम। वो प्रीतम का प्रेमी नहीं कहला सकता, वो परम धाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं, उसको आशिक कहलाने का अधिकार ही नहीं जो एक अंग की शोभा को छोड़ करके दूसरी में लग जाए। अब प्रश्न ये होता है, जब प्रत्येक अंग सुंदर है तो वस्त्र और आभूषण की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम इस दुनिया में बैठे हैं। इस दुनिया में शरीर में उतनी सुंदरता नहीं होती है जितनी सुंदरता वस्त्र और आभूषण से होती है। किसी का भी शरीर हीरे से ज्यादा सुंदर तो होगा नहीं, सोने से ज्यादा लालिमा वाला भी नहीं होगा, सोने से और हीरे से मोतियों से ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। तो इस संसार में जब हम हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज से अपने शरीर को सजाते हैं तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ जाती है। परम धाम में इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में बैठे हैं इस दुनिया के भावों से ये वर्णन किया जाता है वस्त्र और आभूषणों का। नग्न व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगता, परम धाम में तो अक्षरातीत का नूरी स्वरूप है, वहाँ नूर के ही वस्त्र हैं, नूर का ही आभूषण है और वो सारे नूर राज्य के हृदय से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए काल माया के ब्रह्मांड में बैठकर वहाँ के वस्त्र और आभूषणों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। किंतु फिर भी हमारा मन तो इस दुनिया का है। अब जब सागर श्रृंगार में या परिक्रमा में नगों का जवाहरातों का वर्णन किया जाता है तो जिन सुंदर साथ की रुचि हीरे मोती आदि जवाहरातों में होती है उनकी सारी बुद्धि का कौशल इसी में लग जाता है कि अंगुलियों में कितने नग हैं, कितनी अंगूठियां हैं और एक एक अंगूठी में कितने जवाहरातों के नग जड़े हैं। अरे भाई, यदि 10 लिखा है तो 20 आप नगों की कल्पना कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। एक एक रंग में अनंत अनंत किरणें निकलती हैं, एक एक किरण से अनंत अनंत तरंगे निकलती हैं। जिस परमधाम में ऐसी शोभा है उसको इस दुनिया के हीरे मोती माणिक पुखराज से मत समझिए, वो तो हमारी बुद्धि को केवल एक शांत कराने के लिए राजी ने कह दिया है कि इसमें तुम्हारी बुद्धि उलझती है तो लो इसी बहाने भी तुम चितवनी तो करो। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब वक़्त हुआ देखन का, देखो रो के नैनन।
अब आपको देखने का समय हुआ, लेकिन देखेंगे कैसे? नयनन, रूह के नयनन, आत्मा की आंखों से। इस पांच तत्व के हमारी जो आंखें हैं ये उस अनंत सौंदर्य को नहीं देख सकती। आत्मा के नेत्रों से देखने के लिए ही मैंने कहा है कि पहले तन की साधना कीजिए, मन की साधना कीजिए, जीव की साधना कीजिए। जब तीनों साधनाएं पूरी हो जाती हैं, जीव में आत्मभाव आ जाता है और आत्मा में परात्म भाव आ जाता है, तो ये है आत्मा का श्रृंगार। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्ष पाया खिताब। आप देखिए, आपका हृदय अतिशय कोमल हो जाए, किसी दूसरे सुंदर साहित के दुख में आप शामिल हैं, उसके दुख से आप दुखी, उसकी खुशी से आप खुशी हैं, तो समझ लीजिए आप एकत्व के रास्ते पर चल पड़े हैं। मैंने देखा है जब किसी सुंदर साथ का धामगमन होता है, ले जाते हैं श्मशान में, जला करके आते हैं, जल्दी से भोजन पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि भोजन करके तुरंत अपने अपने घरों में निकलना होता है। शोक सभा होती है, केवल औपचारिकताएं, आते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं और जल्दी जल्दी कहते हैं कि जल्दी कार्यक्रम समाप्त करो, अभी मुझे अमुक काम पर जाना है। मैं सोचता हूँ काम तो सबको करने होते हैं, लेकिन किसी सुंदर साथ के तन छोड़ने की कोई इनके लिए अहमियत ही नहीं है। ये जाएंगे अपने काम में लग जाएंगे, और ये जाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन उनका भी यही हाल होगा। हमारा हृदय कितना निष्ठुर हो चुका है, हमारे अंदर संवेदना नहीं, हम केवल अपने ही सुख को देखते हैं, अपने परिवार से सीमित हैं, खानदान से सीमित हैं, अपनी बिरादरी से सीमित हैं, आगे पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं, हमारे अंदर आत्मभाव आया ही नहीं। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। एक सज्जन आए थे सुंदर साथ, ज्ञानपीठ में कार में बैठे थे, कार में बैठे बैठे उनकी असावधानी से ज्ञानपीठ का एक बच्चा उनकी पहिए गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। गाड़ी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, पहिया चढ़ा दे रहे हैं, इतना भी नहीं कि गाड़ी से बाहर निकलकर उस बच्चे को उठाएं, कुचलते हुए मुस्कुराते हुए चले गए। आप सोचिए, उन्होंने क्या पाया? यही देखा कि ज्ञानपीठ में गरीब घर का बच्चा होगा, यदि उनका बच्चा पहिए के नीचे आ जाता तो क्या वैसे ही कुचलते हुए चले जाते? और दुख की बात है कि वो सज्जन मुस्कुराते हुए चले गए। पैसे वाले थे, इससे सम्मान तो हर जगह मिलेगा, लेकिन राज्य के दरबार में ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होगा। यदि आपका हृदय इतना क्रूर है कि आप किसी बच्चे को कुचलते हुए जा सकते हैं, तो आप करोड़ जन्म भी आंखें बंद करके ध्यान किए रहिए, आपको कुछ नहीं मिलना है। आत्मा का श्रृंगार करने के लिए मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। आपको अपने हृदय, जीव के हृदय की कठोरता को समाप्त करना पड़ेगा। जीव में केवल अपने सुख के बारे में जो सोचने की प्रवृत्ति है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। आप आरती गाते हैं तो कहते हैं कि तनमन जीव निछावर किन्नो महामत चरणो लाग। आप तन से दो घंटा एक घंटा भी शांति से बैठने के लिए राजी नहीं, मन प्रीतम को देना नहीं चाहते, क्योंकि मन तो आपने या तो पति को दे रखा है, या पत्नी को दे रखा है, या पोते पोतियों को दे रखा है। बुढ़ापे में भी आपका सारा ध्यान पोते पोतियों पर लगा रहता है, रिश्तेदारों में लगा रहता है, संसार के रिश्तों में आप उलझते हैं। आधे घंटे के लिए आंख मूंद लेते हैं, कहते हैं कि राज्य ही दर्शन नहीं देते हैं, चितवनी में कुछ नहीं रखा है। चितवनी तो आत्मा का हार है। जब तक आपकी आत्मा के नेत्र नहीं खुलेंगे, आपका प्राणेश्वर कैसे दीदार देगा? वो तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में ही बसता है, कहीं दूर नहीं बैठा है। जो परम धाम आप सोचे बैठे हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, ये संसार के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। वाणी क्या कहती है? ऊपर तले अर्श न कहिया,
अर्श का या मोमिन कलूप परम धाम ये नहीं है, बेहद के पार नहीं है, ज्ञानियों के लिए बेहद के पार है। प्रीतम के प्रेम में चलने वालों के लिए कलयुग मोमिन अर्श मनस्थ, कुरान की एक आयत में कहा गया है कि ब्रह्मात्मा का हृदय ही धाम है। इसलिए तो सामवेद का पहला मंत्र यही पुकार करके कह रहा है, हे प्रीतम परब्रह्म तुम मेरे हृदय मंदिर में आ जा, हृदय में पुकारिए। अपनी भावनाओं को प्रीतम के प्रति समर्पित आपने कर दिया है, आपकी आत्मा का जब तक श्रृंगार नहीं होगा आपके सामने अक्षरातीत रहेंगे, कैसे दीदार देंगे। दर्पण पर ही जब तक मैल पड़ी रहेगी, अब बार बार चेहरा दर्पण में देखिए कहां से प्रतिबिंब देखेगा। इसलिए सुंदर साथ को यह समझना होगा कि राज्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। राज्य यदि महामती जी को हफ्ते में दर्शन दे सकते हैं, श्री देवचंद जी के सामने प्रकट हो सकते हैं, तो आपको भी दर्शन दे सकते हैं, नहीं देंगे, तभी तो वितक में कहा है आप देखो औरों को दिखाओ। वाणी ने डिंडिम घोष के साथ कहा है, लाओ प्यार करो दीदार, प्रेम ही हमारे पास नहीं है, हमारा प्रेम तो संसार में बटा पड़ा है। मित्र को हम देख लेते हैं, सखी सहेलियों को देख लेते हैं, हमें कितनी खुशी होती है। हम संसारिक उपलब्धियों के पीछे भागते फिरते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन राज्य के लिए मुश्किल से 1 घंटे भी कोई नहीं मुश्किल से निकलता है। कमियां हमारी है, हम अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं करेंगे तो आत्मा के धाम हृदय में होते हुए विराजी हमें दीदार नहीं देंगे। सामने प्रीतम बैठा है, लेकिन यदि हमारी आंखें बंद हो तो कैसे देखेंगे। अंत चक्षुओं को खोले बिना, क्योंकि इस चौपाई का चौथा चरण क्या कह रहा है, देखो रूह के नयनन, आत्मा के नेत्रों को खोला ही नहीं तो कैसे देखेंगे। राज्य तन की साधना करेंगे तो आपके अंदर आत्मा का भाव आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। मन की साधना आप करेंगे तो ये मन समर्पण की भाषा सीखना चाहेगा। तन मन की जब साधना पूरी हो जाएगी तो जीव आत्मभाव लेगा व्यवहार में। ज्ञान से तो हर कोई प्रवचन दे सकता है कि हम परम धाम से आए हैं, ब्रज में आए थे, रास में आए थे, हमने रब्द किया था और इस जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, राज्य ले जाएंगे। सुनी सुनाई बात, पढ़ी हुई बात तो हर कोई दोहरा सकता है, लेकिन ये आत्मभाव नहीं, चित्वनी क्रियात्मक प्रक्रिया है। तन से परे होइए तन की साधना करके, मन से परे होइए मन की साधना करके, जीव भाव से परे होइए जीव की साधना करके, आत्मा के अंदर परात्मा की भावना भरिए, तब ये हो गया आत्मा का श्रृंगार। और ऐसी अवस्था में प्रेम का झोंका आता है, हमारी आत्मा के चक्षु खुल जाते हैं, तब ये बात कही जा रही है, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। अब देखने का समय आ गया है, सुंदर साथ देखें, हमारा प्रियतम नख से सिख तक श्रृंगार सज करके बैठा है, कहीं दूर नहीं बैठा है, मासूक बैठे इत जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना न तरसत। अनादिकाल से हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता था प्रीतम, परम धाम में भी परात्मा के हृदय में बसता था, ये बात मालूम ही नहीं थी परम धाम में कि हमारे हृदय में राज्य रहते हैं। ब्रज में भी नहीं पता चला था, क्योंकि ब्रज की तो सारी लीला निद्रा की थी, रास में भी नहीं पता चला था, तभी तो पूरे वृंदावन में खोल डाला था। जागने के ब्रह्मांड में भी श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में पूरी तरह से पता नहीं चल पाया था। यदि पता चल गया होता तो गादीवाद प्रारंभ ही नहीं होता। सबने क्या समझा कि देवचंद जी महाराज के जो सुपुत्र हैं उनको गादी पर बैठा दिया जाए, तो गादी में सब लोग खोजने लगे थे। आज भी यही पढ़ाया जाता है कि जो गादी पर जो बैठता है, देवचंद जी की गादी पर जो बैठेगा वो देवचंद जी का स्वरूप होगा, जो प्राणनाथ जी की गादी पर बैठेगा वो प्राणनाथ जी का स्वरूप होगा। तो प्रश्न यह है कि देवचंद जी और प्राणनाथ जी को आपने कोई गादीपति बना लिया क्या, उनको आचार्य बना दिया? जैसे दुनिया के आचार्य होते हैं वैसे ही आपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को आचार्यों के स्तर पर रख दिया, गादीपतियों के स्तर पर रख दिया, और एक बढ़ई ने तखत बना दिया, दर्जी ने गद्दा सील करके रख दिया, उस पर कोमल
वस्त्र बिछा दिया, उसको आपने गादी की संज्ञा दे दी और कह देते हैं कि उस पर जो बैठ जाएगा वो उनके बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं, यदि ऐसा करना होता तो जो अरबों खरबों पति हैं वो आसानी से गादियाँ बना बना करके सब कुछ बन जाते। इन जड़ पदार्थों में भटकने से कुछ नहीं होगा, गादियों के पीछे भटकने से आपकी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर तले अर्श ने कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब, आपकी आत्मा का हृदय ही धाम है, आपका प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में बसता है। तभी महामती जी की आत्मा बार बार कह रही है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, आप अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, प्राण प्रीतम हैं, प्राणनाथ हैं। आप अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, संसार के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो आप मेरे हृदय के प्रीतम हैं, हृदयेश्वर हैं। आप मेरे हृदय को छोड़कर एक पल के लिए न कभी अलग हुए थे, न हैं, न कभी हो सकेंगे। ब्रज में भी आप साथ थे लेकिन हमारे पनीत का आवरण था, रास में भी थे, जागनी के ब्रह्मांड में भी थे। महामती जी के धाम हृदय से ही निकल करके युगल स्वरूप उनको हफ्से में दर्शन देते हैं। जब वाणी उतरती है तब तो हमें पता चल रहा है कि हक नजीक सेहरक से आड़ो पटने द्वार, इसके पहले अनादिकाल से लीला चलती आ रही है, ये बात हमें पता नहीं थी। इस जागनी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिसको थोड़ा सा कष्ट मिलता है रोना शुरू कर देता है, मेरा जी क्यों लाए दुनिया में, परम धाम में बहुत आनंदमय थे। परम धाम का आनंद जो है कभी कम नहीं होगा, लेकिन ये बताइए क्या आपको ये मालूम था परम धाम में कि हक नजीक सेहरक से है, राजी हमारे प्राण की नली से निकट हैं, ये बात परम धाम में मालूम नहीं थी। तुम रूहे मेरे तन हो, क्या ये बात मालूम थी। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, क्या ये बात मालूम थी। क्या हमें ये बात मालूम थी कि हम अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं। तुम रूहे नूर मेरे तन का, ये सब बातें कुछ नहीं मालूम थी। बस इतना मालूम था कि हम राज्य की अंगना है, उनको रिझाती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मालूम था। ये भेद बताने के लिए राज्य ने ये खेल किया है। इसे मैं कभी भी नहीं कहता कि राज्य से, कि राज्य खेल समाप्त करो, हमें बहुत दुख हो रहा है। उसकी रजा में ही तो हमारी रजा होनी चाहिए। खेल कब समाप्त करना है ये उनका विषय है, हमारा विषय है अपनी आत्मा का श्रृंगार करना, ताकि हम अपने आत्मचक्षुओं से जी भर करके देख सकें, और यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए। दुर्भाग्य से 40 लाख की संख्या का यह सुंदर साथ चितवनी से दूर हो गया। मैं जब 70-80 साल के भी सुंदर साथ को वही प्राइमरी की क्लास में देखता हूँ, वही परिक्रमा, वही पूजा, वही पाठ, वही जप, तो मेरा हृदय पीड़ित होता है कि बेचारों की उम्र तो अब पूरी हो गई है, पैर तो कब्र में लटके हैं, कब पक्षी उड़ जाए, इनको चितवनी की तरफ कौन ले जाएगा, कौन बताएगा कि अपनी सुरता एक राखी मूल मिलावे माए। इसका प्रारंभ तो 15 साल की अवस्था से ही हो जाना चाहिए। आप घरों में जो आपके बच्चे हैं 15 साल के, उनको आप चितवनी सिखाइए। जो उससे कम उम्र के बच्चे हैं उनको सेवा पूजा के लिए कह दीजिए। आप कर्मकांड के जाल में इतने फंस गए हैं कि कहीं बाहर कार्यक्रम हो तो भी नहीं जा सकते, कि मैं चला जाऊंगा तो राजी को भोजन कौन कराएगा। सर्वशक्तिमान को आप भोजन नहीं करा सकते। जिसके सतंग के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, उनको आप भोजन क्यों कैसे करा सकते हैं। हाँ, भावात्मक रूप से आप कहीं भी खा रहे हैं तो आप अपने भोजन को समर्पित कर दीजिए। राजी तो प्रेम के भूखे हैं, आपके बाहरी जाहिरी रूप से जो थाल रखेंगे उसका कोई महत्व नहीं है उनके लिए। आप हर पल उनके प्रेम में खोए रहिए। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मीठत प्यास। एक ब्रह्मात्मा का खाना पीना, खाना दीदार इनका, राज्य का दीदार ही इनका भोजन है। यासो जीवे लेवे सांस,
क्योंकि राज्य के दीदार से ये जीती हैं इस संसार में और सांस लेती हैं। राज्य का दीदार ना मिले तो परमधाम की परमात्मा इस शरीर को रखेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी चितवनी की महत्ता है, लेकिन सुंदर साथ को चितवनी से ही दूर कर दिया गया। खाना पीना खिनखिन लिया, प्यार अर्शरोहन पल पल मासूक देखना, यही आहार आसकन। आज चितवनी पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। चितवनी कहीं इक्के दुक्के कोई करते हुआ दिखता है, मुझे लगता है 40 लाख की संख्या में 1 लाख भी सुंदर साथ अभी चितवनी नहीं कर रहे हैं। 1 लाख क्या, 50,000 भी नहीं कर रहे हैं। 50,000 में भी यदि 1,000 सुंदर साथ सही तरीके से चितवनी कर रहे हों तो मुझे बहुत खुशी है। इसलिए आज मैंने चितवनी के सार तत्व को दर्शाया कि तन की साधना क्या है, मन की साधना क्या है, जीव की साधना क्या है। ये तीनों केंद्र में है, चितवनी का आधार है ये तीनों सूत्र। यदि इसको हम दृढ़तापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो बाजी हमारे हाथ में निकल हाथ में आ जाएगी। तन की साधना के साथ ही हमने समझ लीजिए 30% काम कर लिया। मन की साधना पूरी होते ही 60% काम हो गया। जीव की साधना पूरी होते ही 90% काम हो गया। केवल 10% जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नए नजर भर जी, ये राज्य की कृपा पर हो जाता है। केवल 10% और 90% आपने अपना काम कर लिया और राज्य तो पल में मेहर बढ़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेहर मपाए। हम राज्य की मेहर को चाहते हैं केवल गोटा लेकर के पढ़ने के आधार पर कि मेहर सागर का पाठ कर लिया राज्य की मेहर हो जाए। और मेहर भी क्या, एक फैक्ट्री है राज्य, एक दूसरी फैक्ट्री और लगवा दीजिए, 4 गाड़ियां हैं 4 और गाड़ियां हो जाए, 10 करोड़ की संपत्ति है 20 करोड़ की हो जाए, ये कोई मेहर नहीं है। मेहर तो कुछ और है। अक्षरातीत का हृदय 8 सागरों के रस को आपके हृदय में उड़ेल दे, इससे बड़ी मेहर और क्या होती है। आप झूठी वस्तुओं के पीछे गोटा लेकर, आपको यही सिखाया गया है कि मेहर सागर रट लो, पाठ करते रहो, तारतम का 5 बार पाठ कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो, आखिर ये सारी उम्र क्या यही करने के लिए आप आए हैं। वाणी कह रही है, अब बखत हुआ देखन का देखो रूह के नैनन, राज्य के दीदार का समय है और इसके लिए क्या क्या करना होगा। धामधनी ने पहले इस चौपाई से पहले के चौपाई में कह दिया है, यही अर्श दिल रूह के बैठे सिंगार कर। कितनी ऊंची बात है, यही अर्श दिल रूह के, आत्मा का हृदय ही उसका धाम है जिसमें सिंगार करके उसकी प्रीतम बसते हैं। आप सोचिए, आप किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, कंगाल परिवार से हैं, कुरूप आपका तन है, अनपढ़ भी हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि आप परमधाम की ब्रह्मात्मा भी हैं। आप संसार में हे दृष्टि देखे जाते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं गरीब घर का हूँ, छोटे समाज का हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, राज्य नहीं मिल सकते। राज्य को अरबोपति से या गरीब से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो अपनी आत्मा से लेना देना है। कोट राज बैकुंठ के नावित इतके खिन समान, करोड़ों बैकुंठ के राज्य राज्य के एक पल के दीदार के सम्मुख कुछ भी नहीं है। तो राज्य को धन संपदा से मत तोला कीजिए, आप अपने आत्मा का बल बढ़ाइए, आत्मबल पर स्वयं को केंद्रित कीजिए। मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ, प्रीतम का दीदार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जीवन का अंतिम लक्ष्य, पहला और अंतिम लक्ष्य है, इसको पूर्ति करके ही मुझे रहना है। यदि आप आत्मभाव में जागृत होंगे तो चलते फिरते उठते बैठते आपकी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की छवि बसी रहेगी। इसलिए कहा है, वर्णन किया हक सूरत का रूह देखा चाहे फिर यही अर्श दिल रूह के बैठे सिंगार कर। राज्य कहीं परमधाम की बात नहीं हो रही है। आप जब जीव भाव की साधना पूरी कर लेंगे, आत्म भाव में केंद्रित हो जाएंगे, परात्मा के भावों को बसा कर अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लेंगे तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्रियतम नख से सिक तक श्रृंगार सज करके विराजमान हो जाएगा और आपकी आत्मा के चक्षु अपने हृदय मंदिर में देखते करके तृप्त होने लगेंगे। उस समय के लिए ये चौपाई कही जाती है
कि श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब वक़्त हुआ देखन का देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ जिनके पास भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, अब जो भी समय गुजर गया है उसको पश्चाताप करने से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। जो भी समय बचा है आपके जीवन में उसको तन की साधना, मन की साधना और जीव की साधना में लगाइए। प्रतिदिन चितवनी कीजिए। शरीर के भोजन से अधिक आवश्यक है चितवनी, जो आपकी आत्मा का आहार है। और जब आप चितवनी में डूबने लगेंगे, आपके अंतरात्मा से स्वतः आवाज आएगी कि इससे बड़ा कोई धन न था, न है और न कभी होगा। चितवनी कीजिए, दूसरों को भी उस मार्ग पर ले चलिए, स्वयं प्रीतम का आनंद लीजिए और सारे ब्रह्मांड के लिए उस आनंद की अमृत धारा को खोल दीजिए। बेचारा ये ब्रह्मांड माया से पैदा हुआ है, ये तो अक्षरातीत के बारे में जानता भी नहीं। आपका यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप अपने जीवन की आयु की एक एक मिनट की बचत कीजिए और इस महान पुण्य कार्य में सहयोग दीजिए। संसार में वाणी फैलाइए, परम धाम की चितवनी फैलाइए और सारे संसार के जीवों की अखंड मुक्ति के लिए सबको चितवनी के पवित्र मार्ग पर ले चलिए। मैं आशा करता हूँ सुंदर साथ मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। प्रणाम। देखो नैना नूर जमान, जो रूहो परसन को जो रूहो परसन को अरबा हो जो अर्श की सोजिन जाओ खिन भो। देखो नैना नूर रस भरे रंगिले गम पम गम पद निध निध मदप गुण नैनो के क्यों कहूँ रस भरे रंगिले मीठे लगे मरोरते मीठे लगे मरोरते अति सुंदर अलबेले देखो नैना नूर गुणवंते गंभीर नैनों की गति क्यों कहूँ गुणवंते गंभीर चंचल चपल ऐसे लगे चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर देखो नूर जवान।
दया सिंधु सुख सागर इश्क गंज दया सिंधु सुख सागर इश्क गंज शराब पिलावत नैन सो शराब पिलावत नैन सो साकी सिरदार देखो नूर जमा जो रूह परसन को अरवा हो जो अर्श की सोजिन जाओ देखो नूर जमा देखो नूर जमा नूर जमा नूर जमा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज मैं आप सभी लोगों को ब्रह्मवाणी की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस ब्रह्मवाणी की महिमा जो हम वर्षों से इस ब्रह्मवाणी के चर्चा वाणी सुनते आ रहे हैं इसकी महिमा क्या है इसके विषय में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आज संसार में जितने भी मत मतांतर अथवा जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी ने परमात्मा को जानना और पाने का जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें परमात्मा को कैसे पाएं। आज लेकिन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जितने भी मत के धर्म ग्रंथ हैं उसमें किसी में भी परमात्मा के धाम स्वरूप एवं लीला के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए जो भी संसार के लोग हैं वो परमात्मा को कोई तो परमात्मा को सृष्टि के कण कण में ढूंढ रहा है, कोई तो परमात्मा को इस शरीर में ढूंढ रहा है और कोई है जो परमात्मा को प्रकाश स्वरूप ही मानकर बैठा हुआ है। क्योंकि संसार के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानता के कारण परमात्मा को सृष्टि के कण कण में ढूंढ रहे हैं, इस शरीर में ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हम धर्मग्रंथों की बात करें तो वेद उपनिषद दर्शन गीता भागवत आदि ये सभी जितने भी हैं ये प्रमुख धर्मग्रंथ है इस संसार में। और इन कोई भी व्यक्ति इन सभी धर्मग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी परमात्मा के विषय में उसके धाम के विषय में उसके स्वरूप के विषय में उसकी लीला के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि ये सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इसमें परमात्मा के विषय में पूरा विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है, विस्तृत वर्णन नहीं है। वेद उपनिषद ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में हम एक मंत्र आता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथ विद्यति अन्याय। यानी जो परमात्मा है जो सबसे महान परमात्मा है वो आदित्य वर्ण वाला है, आदित्य वर्ण अर्थात अखंड स्वरूप वाला है और वह तमस से परे यानी इस संसार के अंधकार से परे रहता है। लेकिन वेदों में यह अस्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वो इस संसार के अंधकार से परे कहाँ रहता है, वेदों में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। और अगर हम उपनिषद की बात करें
तो उपनिषद अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 108 उपनिषद है, जिसमें से 11 उपनिषद प्रमुख हैं। वैसे तो वेद और उपनिषद में सामान्य रूप से कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, क्योंकि जो उपनिषद है वो वेद के ही व्याख्यान ग्रंथ हैं। उपनिषद का कथन है कि दिव्य ब्रह्म पूरे ही ऐसा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता, यानी वह परमात्मा जो है वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम में रहता है। लेकिन वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहाँ है इसका भी स्पष्ट वर्णन उपनिषद में नहीं है। अगर दर्शन में देखा जाए तो हमारे पास 6 दर्शन हैं: सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और योग दर्शन। इन छह दर्शनों में सृष्टि के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या की गई है। और वेदांत दर्शन के पहले सूत्र में कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करने मात्र से हमें क्या ब्रह्म के बारे में पूरा सारा विस्तृत ज्ञान मिल सकता है, क्या हमें उसका साक्षात्कार हो सकता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, अगर वो सिर्फ पानी पीने की इच्छा मात्र करे तो क्या उसकी प्यास बुझ सकती है? नहीं, सिर्फ इच्छा करने मात्र से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, उसके लिए उसे जल के स्रोत तक पहुंचकर उसे जल पीना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमें भी सिर्फ परमात्मा को जानने के बारे में इच्छा न करके उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसकी लीला क्या है, उसको लीला कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम कैसा है, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से दर्शन में भी, जो 6 दर्शन है उसमें भी परमात्मा के बारे में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है। अगर हम गीता की बात करें तो गीता आज के इस हिंदू समाज में सबसे प्रचलित धर्म ग्रंथ है। गीता जिसे आज का मानव समाज उसे धर्मग्रंथ के रूप में जानता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। महाभारत के समय में श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसी को गीता के रूप में लिखा गया है। आज का जो गीता का पाठ करने वाला मानव समाज है वो यही समझता है कि श्री कृष्ण जी ही परमात्मा है, लेकिन वो गीता के रहस्य को नहीं समझता है, गीता के रहस्य को नहीं जानता है। गीता के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिव विजयोर्भूति ध्रुव नितिर्मर्ति मम, यानी जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है वहाँ पर विजय ही है, वहीं पर ही विजय है। और इसी प्रकार स्वयं श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, उसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि जो श्री कृष्ण जी है उनका जन्म हो चुका है और वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा होता है उनका जन्म नहीं होता। वो जो परमात्मा है वो अजन्मा है, अजर है, अमर है, वो उसका कभी जन्म नहीं होता। गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, यानी हे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा, वहीं पर उनकी कृपा से ही तुम्हें परम शांति एवं परम धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से स्वयं श्री कृष्ण जी अर्जुन को परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। भागवत के गीता के पाठ करने वाले लोग यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि श्री कृष्ण जी अगर स्वयं परमात्मा होते तो वो अर्जुन को किसी परमात्मा के शरण में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, उन्हें तो अपने शरण में आने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण जी परमात्मा के शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जो श्री कृष्ण जी है वो स्वयं परमात्मा नहीं है। यद्यपि जो श्री कृष्ण जी हैं वो एक योगेश्वर है, ना ही कि परमात्मा। इस प्रकार से गीता में भी परमात्मा के विषय में भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। और अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में भी वर्णन आता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबे मेराज में जाते हैं
तो उन्हें अल्लाह ताला के अमृत सूरत का दीदार होता है। और उन्होंने कहा है कि जब मुझे अल्लाह ताला का दीदार हुआ तो उनके केसों से, जो उनके बाल हैं, उनके बालों से इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लेकिन मुसलमान, आज के युग के जो मुसलमान हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि जो अल्लाह ताला है वो उस निराकार है, बेसबी, बेनमून, बेचुगुन है। वो मोहम्मद साहब की बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, और कुरान के गलत अर्थ कर करके वो इस संसार में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कट्टरता का बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुरान में भी सिर्फ परमात्मा के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में संकेतों में वर्णन है, विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। और संतों की वाणियों में, बहुत सारे संतों की वाणियों में भी परमात्मा के बारे में इशारा किया गया है, संकेतों में वर्णन आता है। जैसे हम अगर हम कबीर जी की साखी को देखें तो कबीर जी ने अपने साखी में कहा है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साई हमारा। यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि अगर वो परमात्मा इस शरीर में है तो किसी की मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो है वो तो अमर है। और अगर इस सृष्टि के कण कण में होता तो उसे सब कोई देख पाते। कबीर दास जी कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, जो सबका मालिक है, वो इस शरीर और संसार से परे रहता है। उन्होंने अपनी एक और साखी में कहा है कि जा घर अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यो कहे, वह घर मुझसे दूर। यानी जिस धाम में प्रिय अक्षरातीत की अंगनाएं रहती हैं, जहां पर प्रेम ही प्रेम का निवास है, वह कबीर दास जी कह रहे हैं कि वह घर मेरे से दूर है। यानी जो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से कबीर जी एक हैं, उनको भी उस शाश्वत धाम के बारे में पता नहीं है, वो भी उस अक्षरातीत के बारे में नहीं जानते। इस प्रकार से अनेकों लोगों ने उस परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी आज दिन तक उस परमात्मा के विषय में नहीं जान सका। एक वाणी में कहा गया है कि इन जिमी में आज लो, वेद कतेबो करी खोज, पर ठौर अक्षर न पाइया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। यानी इस संसार में आज तक वेद कतेब की दोनों धाराओं के लोग परमात्मा को ढूंढने का बहुत ही अथक प्रयास किए, लेकिन वो उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सके। उनकी सारी जो तपस्या थी, कठोर साधनाएं थी, वो असफल रह गई। किन एक बूंद न पाइया, रसना भी वचन, ब्रह्मांडो धनियों देखिया, खोज थकेत रह गुण। यानी कोई भी उस परमात्मा के विषय में एक बूंद भी, उनके जो जागृत बुद्धि का सागर है, उनकी एक बूंद भी किसी को भी चखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि त्रिदेवा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनको भी उस परमात्मा के बारे में पता नहीं चल सका। उन्होंने उस परमात्मा के बारे में जानने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास किया, वे निराकार से आगे जाने का अत्यधिक प्रयास किए, लेकिन वे निराकार से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। इस सृष्टि को बने हुए लगभग 1,96,00,000 वर्ष हो चुके हैं। इस सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सभी लोग उस परमात्मा को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अनेकों ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, अनेकों विद्वद्गण ने उस परमात्मा को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सारी साधनाएं असफल रही। वाणी में कहा जाता है कि या वाणी के कारण कई करे तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन। यानी इस ब्रह्मवाणी को, उस परमात्मा के बारे में जानने के लिए अनेकों तपस्वियों, ऋषि मुनियों ने अत्यधिक प्रयास किया और कठोर साधनाएं की, लेकिन उनकी सारी साधनाएं असफल रही। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर को भी गला दिया। कई ऋषि मुनि ने अग्नि को भी पी लिया उस परमात्मा को जानने के लिए, कि हमें किसी भी तरीके से उस परमात्मा के बारे में पता चल सके कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, उसका धाम कैसा है, लेकिन उनकी सारी साधनाएं निष्फल हो गई। देवी भागवत में एक दृष्टांत आता है कि लक्ष्मी जी ने भी उस परमात्मा के विषय में जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने 7 कल्पांत तक घोर तपस्या की, लेकिन उनकी उस तपस्या के बाद भी उन्हें एक शब्द भी नहीं सुनने को मिला उस परमात्मा के विषय में। देवी भागवत में यह दृष्टांत आता है कि जब एक बार लक्ष्मी जी अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए पृथ्वी लोक पर आई हुई थी, तब नारद जी लक्ष्मी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए आई हुई हैं, और वहाँ आपके पति
किसी और की साधना में तल्लीन है और आपको पता भी नहीं है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि वो भला किसी और की साधना में कैसे तल्लीन हो सकते हैं, वे ही तो सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। यह सुनते ही लक्ष्मी जी तुरंत ही बैकुंठ में जाती हैं और देखती हैं कि विष्णु भगवान अपने कठोर साधना में तल्लीन है। विष्णु भगवान के साधना से बाहर आते ही लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आप किसकी साधना में तल्लीन थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस अक्षरातीत के साधना में तल्लीन था जो सभी का मालिक है, जो सबसे परे हैं। तब लक्ष्मी जी उनके विषय में जानने के लिए काफ़ी जिद करने लगती हैं और कठोर तप करने लगती हैं। उन्होंने 7 कल्पान तक कठोर तप किया। उनकी तप के तेज से सारा ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवतागण मिल करके विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब हमारा अवतरण पृथ्वी लोक पर होगा तब मैं इशारे से आपके बताऊंगा कि वह अक्षरातीत कौन है। इस प्रकार से 7 कल्पान तक प्रयास करने पर भी लक्ष्मी जी को भी एक शब्द भी अक्षरातीत के विषय में सुनने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से अनेकों लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज भी अनेकों ऋषि तपस्वी मुनि, आज भी अगर आप हिमालय के दुर्गम स्थानों में जाएं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर हिमालय के गुफाओं में जहाँ पर तापमान जो है 0 से भी अधिक, बहुत अधिक नीचे होता है, उस ठंडी गुफाओं में अनेक ऋषि मुनि कठोर साधना में आज भी तल्लीन रहते हैं उस परमात्मा के बारे में जानने के लिए। लेकिन जिस कठोर साधना उन लोग को करनी पड़ रही है, लेकिन हम यहाँ आज घर बैठे ही हमें ये वाणी बहुत ही सरलता से मिली है। इस 28वें कलयुग में स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म अपने आवेश स्वरूप से अपनी आत्माओं को जगाने के लिए ये ब्रह्मवाणी लेकर आए हैं, जिसका ज्ञान हमें घर बैठे ही बड़ी सरलता से मिल रहा है। हमें कोई भी कठोर साधना नहीं करनी पड़ रही है। अलग अलग लोगों को अगर हम देखें तो अनेक ऋषि मुनि इसके लिए कितनी कठोर साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ रही है। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म ने अपने हृदय के सारे भेदों को, जो आज दिन तक किसी को भी नहीं पता थे, वो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा खोल दिया है और इस ब्रह्मवाणी में अपनी सारी पहचान दे दी है। अपनी लीला की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान, अपने धाम की सारी पहचान इस ब्रह्मवाणी में दे दी है। लेकिन हम इस ब्रह्मवाणी के का महत्ता को नहीं अभी समझ पा रहे हैं। हम इसे बस पढ़ते तो हैं लेकिन इसे आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। इस वाणी के द्वारा अक्षरातीत ने अपने हृदय के सारे भेदों को उजागर कर दिया है सिर्फ ब्रह्मात्माओं के लिए, ताकि वो ब्रह्मात्माएं उनके हृदय के भेदों को जानकर अपने हृदय में प्रेम भर करके अपनी आत्मा को जागृत कर सकें। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि हके इलम ऐसा दिया जो 14 तब को नाहे, और ना ही नूर मकान में सो दिया मुहे सुपने माहे। श्री इंद्रावती जी का कहने का आशय यह है कि धाम धनी अक्षरातीत ने इस स्वप्न के ब्रह्मांड में हमें जो परम धाम का जो ये अखंड सुख दिया है, ये आज दिन तक न तो इस 14 लोके के ब्रह्मांड में था और न ही अक्षर धाम में था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। यानी इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये जो श्री मुखवाड़ी का ज्ञान है, ये आज दिन तक संसार में न तो आया था और न भविष्य में आएगा। यह जो वाणी है, ये स्वयं पारब्रह्म ने अपने उनके मुखार बिंद से अवतरित हुई वाणी है, और इस वाणी के द्वारा इसकी इतनी अधिक महत्ता है कि इस वाणी के द्वारा जो हिंदू और मुसलमान के जो तफरके हैं, जो आपस के झगड़े हैं, वेशभूषा को लेकर के, जाति को लेकर के, भाषाओं को लेकर के, और जो परमात्मा को लेकर के झगड़े हैं, वो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। इस ब्रह्मवाणी में श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि करना सारा एक रस हिंदू और मुसलमान, धोखा सबका भान के कहूँगी सबका ज्ञान। यानी हमें जो है हिंदू और मुसलमान के एक रस करना, सबको एकता के सूत्र में गूंथना है, इनके आपस के जो झगड़े हैं उसे मिटाना है, और मुसलमान में आज के जो मुसलमान हैं वो कुरान के गलत अर्थ ले करके जो आतंकवाद फैला रहे हैं,
वो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मवाणी की इतनी अधिक महत्ता है कि इस जो अक्षर ब्रह्म है उन्हें भी अक्षरातीत के बारे में जो ज्ञान नहीं था, जागृत अवस्था में भी उन अक्षरातीत के बारे में ज्ञान नहीं था कि वे कैसी लीलाएं करते हैं, वो ज्ञान अब हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इस सपने के ब्रह्मांड में हमें मिल रहा है। और ब्रह्म सृष्टियों के साथ साथ यह ज्ञान ईश्वरीय सृष्टियों और जीव सृष्टियों को भी मिल रहा है, जिसका ज्ञान अक्षर ब्रह्म को नहीं है, जिसका ज्ञान इस ब्रह्मांड के मालिक त्रिदेवा को भी नहीं, वो हमें इस स्वप्न के ब्रह्मांड में बड़ी सहजता से मिल रहा है। और ये ब्रह्मवाणी के द्वारा अब चारों तरफ जो है ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, जिससे सबके अंदर का अज्ञानता समाप्त हो रहा है। और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही सभी को अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही सभी जीवों को, इस 14 लोकों के जो सभी जीव हैं, उनको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा जो है कि सारी आपत्तियाँ जो है दूर होती है। सिंधरती जी ने वाणी में कहा है कि इन वाणी के बरकते सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मिने पैठ न सकेत आए। यानी जो सारी आपत्तियाँ हैं वो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा दूर होती हैं। और जो कलयुग है वो डर कर के कांपता रहता है, और ब्रह्मवाणी के रस में गोता लगाने वाले सुंदर शाह के हृदय में वो कभी भी उसमें उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। जैसे बीतक में एक प्रसंग आता है, जब श्री प्राणनाथ जी मेड़ते में जाते हैं तो वहाँ पर एक लाभानंद नाम का एक यति रहता है। वो सबको अपनी तांत्रिक क्रियाओं से डरा धमका करके रखता था, वो किसी और के पास चर्चा सुनने के लिए नहीं जाने देता था लोगों को। जब श्री प्राणनाथ जी मेड़ते में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कोई उनकी चर्चा सुनने के लिए क्यों नहीं आ रहा, तो वे लाभानंद यति के पास जाते हैं और उनसे कई दिनों तक ज्ञान चर्चा करते हैं। लाभानंद यति के साथ उनकी लगभग दस दिन तक चर्चा चलती है, लेकिन लाभानंद यति उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। तब लाभानंद यति सोचता है कि इससे तो मेरी सारी महत्ता समाप्त हो जाएगी। तब वो सोचता है कि क्यों ना हम अपने तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा हम इन्हें पत्थरों के बड़े बड़े चट्टानों के नीचे दबा कर मार डालूं। तो जब श्री जी वहाँ से जाते हैं लाभानंद यति के पास, तो वे अपनी तांत्रिक क्रियाओं से भूतों का आह्वान, भूत प्रेतों का आह्वान करके उन्हें बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि जाकर के श्री प्राणनाथ जी को चट्टानों से दबा कर मार डालो। तब वे भूत प्रेत जब श्री जी के पास जाते हैं और पत्थर उठाने का, बड़े बड़े चट्टाने उठाने का प्रयास करते हैं, तो एक कंकड़ी भी उनसे नहीं उठती है। बीतक में कहा गया है कि घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठौर, यानी उनसे एक कंकड़ी भी नहीं उठती है और वे सभी भूत प्रेत हार कर निराश होकर चले जाते हैं। यानी जब पंचवासना सब देव जहाँ खड़े तहाँ मंत्र चले कोई और, यानी जहाँ पर सभी पंचवासनाएँ खड़ी है और सभी देवता, देवी देवता जिन ब्रह्मात्माओं के रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते हैं, वहाँ पर किसी तांत्रिक मंत्र का भला क्या वश चल सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो इस ब्रह्मवाणी की इतनी अधिक महत्ता है। और ये वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे हुए पूरन मनोरथ काम, यानी इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमारी सुरता परम धाम में लगती है और हमारे अंगों में परम धाम का अखंड सुख उपजता है और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। हम ऐसी ब्रह्मवाणी के महत्ता को न समझ करके अगर हम इस ब्रह्मवाणी को सिर्फ रुमालों में ढक करके रखे रहें, सिर्फ सेवा पूजा करते रहेंगे, आरती भोग करते रहेंगे, तो हम इस ब्रह्मवाणी को देश विदेश में, संसार में पूरे नहीं फैला सकते और न ही हम इसका स्वयं ही लाभ उठा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम इस ब्रह्मवाणी की महत्ता को समझ करके इसको सिर्फ सेवा पूजा में न लगे रहें, हम इसके ज्ञान को स्वयं आत्मसात करें और दूसरों को भी इस ब्रह्मवाणी की महत्ता के बारे में बताएं, स्वयं की आत्मा की भी जागृति करें और औरों की आत्मा की जागृति करने का प्रयास करें, तभी ही हम पूरे संसार में इस ब्रह्मवाणी को जाहिर कर सकते हैं। अब इतना कहने के बाद मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी
जो भी सुंदर साथ जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम जी। मैं आज सद्गुरु के विषय में बोलने जा रहा हूँ। सद्गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। श्री महामती जी कहती हैं कि इस संसार में दो प्रकार के गुरु कहते हैं, पहला गुरु माता और पिता, और दूसरा गुरु से कहते जिसने धर्म वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा रखा हो। पर महामती जी ने कहा है सद्गुरु साधुवा को कहिए जो अगम की देवे गम, हद बेहद सभे समझाने भाने मन को भरम। सद्गुरु साधुवा को कहिए, श्री महामती जी कहती हैं कि सद्गुरु उसे ही कहना चाहिए जिसने पारम परमात्मा को देखा हो और उसे पर पारम परमात्मा के नक्श से सिख तक की सारा स्वरूप सब चीज याद हो, और वह इस संसार से परे का हमें ज्ञान देता हो, हद बेहद सभे समझाने भाने मन को भरम। और जो हद ब्रह्मांड है उसको उसका ज्ञान देते हुए, उससे परे का ज्ञान देते हुए, और अपने वतन का मतलब परम धाम का ज्ञान देते हुए उसको समझाना है। और जो उसके मन में जो भी संशय आता हो मतलब विचार आता हो उसे जड़ से ख़त्म कर देना है। श्री महामती जी ने कहा है खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सदगुरु पाइए सदगुरु शंकरतार। श्री महामती जी कहती हैं कि हे संतजनों आप उस पारम परमात्मा को खोजिए जिसको अभी तक ना कोई खोज पाया है, उसको आप खोजिए, आप खोजिए, और वह अंतिम में जाके आपको दर्शन देगा और कसौटी में थोड़ा खड़ा करेगा और फिर दर्शन देगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि श्री देवचंद्र जी, वह 16 वर्ष की उम्र में अपने घर से निकले थे और वह रेगिस्तान में चल चल के हरिदास जी के पास पहुँचे थे, और वहाँ पे उन्होंने हरिदास जी की सेवा की। फिर उसके बाद 14 वर्ष तक उन्होंने भागवत सुना, और फिर उसके बाद पार्वन परमात्मा ने मतलब राज जी ने उनकी परीक्षा ली, और उस परीक्षा में वो सफल हो दिखाया। श्री महामती जी कहती हैं कि शास्त्र पुराण भेक पथ खोले इन पेड़ों में नाहीं, सतगुरु रथ सकल थे न्यारा कहीं एक कुली में नहीं। हे साधु जनों ए पारम परमात्मा इस वेद शास्त्रों में नहीं है, वह तो अपने परम धाम में ही विराजमान है। श्री महामती जी ने कहा है कि सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरण रहूं, संबंध मेरा यही सो मैं ताते सदा सुख लूं। श्री महामती जी कहती हैं कि मेरे सतगुरु स्वयं मूल स्वरूप श्री राज जी ही हैं, जो वो परम धाम है वो उससे हमारा संबंध है, और मैं पारम परमात्मा मतलब राज जी के चरणों में बैठे बैठे सुख लेती रहती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ राज जी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम जी। आज मैं ध्यान के विषय में बोलने जा रहा हूँ जिस विषय में ध्यान को चित्त को धारण किया हुआ है उसी के वृत्ति निरंतर उदय होती रहे, उसमें विजय अंतर की वृत्ति का नितान भी उदय ना हो। विषय अंतर की सर्वजा जो उचुत अछूत अशुद्ध जो एकमात्र चित्त ध्याय को धारण किया हुआ है, जब तक
जब तक यह बना रखे उसकी उसके संपना श्रेष्ठ होती है। ध्यान भी एक फूल की तरह होती है जिसको पाने के लिए सब चाहते हैं, परंतु वह यह नहीं सोचता है कि फूल को खिलाने के लिए तो बीज भी चाहिए, जिसमें धरती जल मल आदि मिला के फूल खिलता है। परंतु बीज को उचित स्थान पे रख कर होगा फूल खिलेगा तो चारों तरफ उसकी सुगंधि फैलेगी। जिस प्रकार ध्यान के लिए भी बीज चाहिए। जिस प्रकार देवचंद्र जी को ध्यान में दर्शन हुआ था, जब इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार के रोशन। देवचंद्र जी को दर्शन हुआ तब देवचंद्र जी राधा भाई के स्वरूप में ब्रज में उनको ब्रज का दर्शन हुआ था। ब्रज में गए थे देवचंद्र जी, तब यशोदा मैया दूध गर्म कर रही थी। तब यशोदा मैया ने कहा था कि राधा भाई आज तुमको कैसे आना पड़ा। राधा भाई ने कहा कि आज मेरे को जल्दी से जाना है, मेरे को कृष्णा जी के पास जाना है। तो यशोदा मैया ने कहा कि वो तो गाय चराने गई है। क्या राधा भाई यशोदा मैया राधा भाई को मिठाई देती है। तो राधा भाई कृष्णा जी जहाँ पे होते वहाँ पे जाती है। वहाँ पे पहुँचकर राधा भाई कहती है कि यहाँ पे कृष्णा कौन है। तो वहाँ पे बहुत सारे कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे कृष्णा है। राधा भाई ने कहा कि नंदलाल का बेटा कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बहुत सारे नंदलाल के बेटे हैं। राधा भाई ने कहा कि यशोदा मैया का बेटा कृष्णा। तो राधा भाई ने कहा कि कृष्णा जी पीछे खड़े खड़े सब साई लीला देख रहे थे। कृष्णा जी ने कहा कि आओ राधा भाई तुम अब कैसे आना पड़े। राधा जी ने कहा कि तुम तो हंस रहे हो। फिर उसके बाद मिठाई बांट रहे थे। कृष्णा जी ने कहा कि मेरे लिए और राधा भाई के लिए एक ही थाली में मिठाई रखना। जैसे ही देवचंद्र जी ने मिठाई खाने के लिए हाथ डाला तो उनका ध्यान टूट गया था। उसी प्रकार ध्यान भी उस तरीका से होना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लांक तले लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के। धाम धनी अक्षय अति के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरी इस आत्मा के दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धाम धनी की असीम अनुकंपा और मेहर और नूर की बारिश तो इस ब्रह्मांड में रूहों के ऊपर अनवरत ढंग से होती आई है और आज भी ऐसा सुंदर अवसर कि जब हम सब मिलकर एक संग बैठकर उसके रस का पान कर रहे हैं, इसकी बात जब सातवें दिन में होगी, जब हमारे मूल तन सब खड़े होंगे और उनके ये जो प्रतिबिंबित आत्माओं के तन हैं वो उनके दिल में होंगे,
और तब उस घड़ी जो बातें होंगी वो याद आएंगी कि ऐसे अवसर पर जब सारा ये संसार रोग ग्रस्त होकर कराह रहा था तब दामधनी कहेंगे कि मैं तुम्हें हंसा रहा था, मैं तुम्हें अपने दिल का अमृत रस पिला रहा था। सारी दुनिया माया के इस कष्टदायक जब न जाने कितने लोग पीड़ित हो रहे, रोग ग्रस्त हो रहे, और दूसरे जो रोग ग्रस्त नहीं हुए वो उनको रोग ग्रस्त देखकर डर के मारे अपने अपने दरबे में दुबक के बैठ गए, और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब करें तो क्या करें, बाहर निकल सकते नहीं, काम धंधा भी कदाचित शून्य पे आ गया है, परिवार पाले तो कैसे पाले। उनके दिल में बस एक ही ये समस्या बनी रहती है कि परिवार को पाले तो कैसे पाले, क्योंकि सारे जीवन भर परिवार ही तो पालते आए और किया क्या। पर ब्रह्म के बारे में तो कुछ भी नहीं जाना, तो जब उन्होंने परब्रह्म के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं की तो उनको बहुत पीड़ा हो रही है आज के दिन पर कि अब माया का भी कार्य छूट गया और ब्रह्म मिले नहीं, तो अब करें तो क्या करें। देखो दामधनी ये कैसा अवसर लाके दिया कि जब अब तुमको ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा किया कि यहां खड़े होकर तुम देखो कि आज दिन तक तुमने किया क्या। जब हम तुमको बता रहे थे कि माया में ना लिप्त हो, ब्रह्म के चरण कमल के रस को प्राप्त करो, तब तुम तो टेढ़े हो रहे थे। मेरी मेरी करत दुनी जात है, सिर ब्रह्मांड बोझ लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना दे। तो ये आत्मनिरीक्षण का एक ऐसा अवसर मिला है कि नीचे बहुत बड़ी खाई है और हम पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं, जहां से जरा सा धक्का लगा तो दोजख की खाई में गिर पड़ेंगे और हमारा अस्तित्व चूर चूर हो जाएगा और हम नरक के कुंड में भुगतेंगे। लेकिन उसी जैसे वो सुमेर पर्वत हो, उसी पहाड़ की चोटी पर ब्रह्म की आवाज सुन सको तो ब्रह्म अपना सुखपाल वहां पहुंचा देंगे और आपको वहां बिठाकर अपने घर ले जाएंगे। तो आत्मनिरीक्षण का समय कि खाई में गिरना है कि सुखपाल में बैठकर अपने धामधनी के चरणों में बैठकर उनके नैनों से बरसता हुआ अमृत रस का पान करें। तो ये ऐसा अद्भुत अवसर दिया है धामधनी की कि अब तुमने अगर यहां इस अवसर में, ठीक है माया को तो जो हो रहा है सो होने दो, तुमने इस समय का उपयोग ऐसे किया कि मेरी वाणी की गूंज तुमने सुनी और इस वाणी के जो नूर की बारिश हुई तुम सब सामूहिक रूप से आकर उसमें झील रही हो, तब तो
तुमने सही काम किया तो सातवें दिन में जब धाम धनिक हम सबकी मूल तनों को जागृत करके खड़ा करेंगे तो हमें से किसके किसके मुख के ऊपर धाम धनी के मुखार बिंद के नूर का आव होगा और किसके किसके मुखार बिंद शर्म से लटके होंगे। ये तो हमें सोचना है ना कि ऐसा सुंदर अवसर दिया तो अब तो धाम धनी के मुखार बिंद के नूर का आव हमारी पर आत्म के मुख पर छलकना चाहिए। और अगर धाम धनी ने ये पूछा भाई कहो कैसी रही, कहते हैं ना पौढ़े भेले जागसी भेले खेल देखिया सबो एक, सबको एक समान का अवसर मिला, खेल देखिया सबो एक बाता करसी जुदी जुदी विद विद के जिसे। तो जैसे जैसे जीवों के ऊपर बैठकर इस माया के खेल को देखा उसका अनुभव किया और जिस प्रकार से हमारे कौल फैल हाल रहे इस तन के उसकी बातें तो होंगी। तो क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो पिछले चार महीने से जब से ये पैंडेमिक COVID-19 कोरोना का भय छाया हुआ है पूरे विश्व पे समाज पर सबकी आर्थिक परिस्थिति गिर गई तो उस समय हमने क्या किया और अगर हमने तो ब्रह्म के चरण पकड़े तो वहां हमारे मुख पर धाम धनी अपने ही मुख के नूर का आप छलका देंगे और धाम धनी उसको देखकर वैसे ही फिदा होंगे जैसे फरामोशी में आने के पहले होते थे। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे सुंदर अवसर को गंवा दिया और हम प्रयास करते रहे कि कुछ माया का धन अर्जित हो जाए ऐसे अवसर में तो खड़े होके क्या जवाब देंगे, हां धाम धनी आपने अवसर तो दिया था हमने कुछ नहीं किया, हम माया ही ढूंढते रह गए। तो ऐसा ना होने दें और चलो धाम धनी के इल्म रूपी नूर की बारिश में हम सब मिलके छीले और आनंद उसका प्राप्त करें। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 प्रकरण 11 में 10 चौपाई पर विराम दिया था, 10वीं चौपाई पर वहीं से प्रारंभ करते हैं। सुंदर सा आइए हम सब अपने तन से और अपने दिल से ऐसा जिए कि मस्तिष्क हमारे तन से बाहर हो जाए, सिर्फ वो दिल रहे जिस पे धाम धनी का वास होता है। मूल में यहां पर भी होता है, बस माया का पर्दा ही तो हटना है। खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का सो उगिया वाही रसम। तो जब 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था मेहरराज ठाकुर का तो तन तो बाल्य था, जीव का जो दिल था वो अभी अनभिज्ञता की स्थिति में था, लेकिन आत्मा तो परम धाम की इंद्रा
जो शाश्वत रूप से उसके मूल तन तो जागृत ही रहते हैं, ये तो फरामोशी एक पर्दा डाला है बस। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जिनके कलेवर में श्यामा जी विराजमान थी, उन्होंने अपनी संगी आत्मा को देख लिया और देखते ही उनको पहचान हो गई और वो कलेवर के मुख से श्यामा जी की रसना से वो आवाज प्रकट हुई कि तुम परम धाम की आत्मा, यहां पर मैं तुम्हारा नाम पहचान के लिए इंद्रावती बता रहा। इस संसार में तुम इंद्रावती के नाम से ही पहचानी जाओगे और तुम्हारे हाथ ही जागनी की लीला होगी और मैं भी तुम्हारे अंदर विराजमान होगा। तो श्यामा जी की नजर ने पहचान लिया अपनी संगी आत्मा और श्यामा जी आज भी विराजमान है। प्राणनाथ जो आवेश स्वरूप से इंद्रावती के दिल में गुम्बद जी में बैठे हुए, उनकी नजर आज भी हमारे ऊपर है और हमारे अंदर की आत्मा को वो पहचान रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, बस हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। तो उस 12 वर्ष के बालक ने वो वचन सुन के अपने दिल में धारण कर लिया था। तो सुंदर साथ हम सब श्यामा जी की रसना से उच्चरित होने वाले उन शब्दों को जो हमारे लिए अनहद है उसको ग्रहण कर ले, श्यामा जी के शब्द आदि नारायण के लिए। तो हमारी आत्मा को उन्होंने पहचान लिया, खासी जान ये मेरे परम धाम की, मेरे नूर अंग है, धाम धनी के नूर तन है और ये खासल खास है, ऐसी खास जिन्होंने रास में जब सब अंतर ध्यान होने के बाद विलाप की रामत चल रही थी तब इन्होंने बांसुरी उठाकर कृष्ण जी का अभिनय किया था और वो अभिनय कुछ ऐसा था कि धाम धनी रीझ गए और प्रकट हो गए। बांसुरी बजने नहीं दिया तो धाम धनी ने दिल में ले लिया कि ये मेरी इंद्रावती सखी की आकांक्षा आशा कैसे अपूर्ण रखूं, ये तो मेरा ही स्वरूप की लीला करने वाली थी, तो चलो अब इनको मैं अपने ही स्वरूप देकर अपना अंग देकर इनको अक्षरातीत घोषित कर दूंगा और कर दिया। तो अब इंद्रावती ही जी अक्षरातीत का स्वरूप हो गए। तो खासी जान खेड़ी जिमी, और खेड़ी जिमी यानी कि इस जिमी पर मानो हल चलाया, उसको ऐसा सुंदर उपजाऊ बना दिया कि अब उसके अंदर अपने धाम के प्रेम का जल से, अर्श के जल से सिंचित कर दिया और उसमें तारतम ज्ञान का वो बीज रोप दिया जैसे वनमाली रोपता है। बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रस,
अब वही तारतम ज्ञान जो बीज था, दो एक बीज वचन कहे श्याम जी के मंदिर में, वो अब श्यामा जी ने वो तारतम के बीज वचन इंद्रावती के दिल में रोप दिया और प्रेम से सींचने लगे, तो हफ्सा में वही बीज अब प्रकट हो गया इंद्रावती के दिल में सघन वृक्ष का स्वरूप लेकर। और ऐसा प्रकट हुआ कि उसके अंदर इंद्रावती के दिल के अंदर धामधनी के तन और दिल हकीकत और मार्फत की पूर्ण पहचान। तुम आए सब आईया, दुख गया सब, विरह का दर्द मिट गया और मिलन का सुख मिल गया। और वही वृक्ष के डालियां फल धीरे धीरे कुछ हफ्सा में प्रकट हुए, कुछ अनूप शहर में प्रकट हुए, कई जगह वाणी उतरी और खिल तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार पन्ना जी में नासिर हुए। कयामत नामा चित्रकूट में नासिर हुआ, मार्फत सागर सिंध पन्ना जी में। और इस प्रकार से वो सघन स्वरूप प्रकट हो गया। 14 किस्म के फल उस सघन वृक्ष पे लगे हैं, रास प्रकाश कलश सनंद खुलासा किरंत खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधि मार्फत कयामत। पूर्ण श्रद्धा ईमान रख कर दिल में चलो सुंदर साथ, सुरता से ही सही श्री गुम्मट जी में पारा थम्भों के बीच में सिंहासन पर विराजमान धाम धनी का वो सुंदर वृक्ष है, और जिसका मूल इंद्रावती के दिल में है, जो साक्षात तरहटी में उसी स्वरूप के ठीक नीचे चंदन के सुख शैया रूपी झूले पर विराजमान है। तो बीज वहां बोया और प्रकट हो गया उस 12 थम्भों के बीच में, जो मानो पाटर घाट का स्वरूप। और वहां पर इल्म की जमुना जी अपने अंतस में अनंत सागरों के रस रंग को लेकर बहती है, और जिसने भी उसमें झीला वो तो रस मगन भया। तो झीलना है सुंदर साथ, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार साथ सनमंदी मिलके विलसिये संग भरतार। तो सुंदर सा आप इस बात की गहराई लेना, और तो क्या कहें, उठ के नहाइए जमुना जी, यानी कि जब वाणी के द्वारा हृदय में वो जागृति की अनुभव होने लगता है और सागर सिंगार में धामधनी के स्वरूप की छवि हमारे दिल में बसने लगती है, तो अब मैं उस जमुना जी के स्वरूप गुम्मट जी से एक क्षण के लिए भी चाहे साक्षात न पहुंचू, सुरता से कभी जुदा नहीं हो सकती।
और उसमें मैं जी लूंगी तो मुझे आठों सागरों का रस प्राप्त होगा। उठ के नहाइए यमुना जी, तो इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप के दिल रूपी यमुना जी में जीविए। और सभी सुंदर सात के स्वरूप को जागृत करके वहां ले आइए छीलने के लिए। उठ के नहाइए यमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, अपने मूल तन के श्रृंगार से सज जाइए, क्योंकि धाम धनी को रिझाना है तो मूल तन के श्रृंगार में सजना। उठ के नहाइए यमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिलके खेलिए संग भरतार या विलसिए संग भरतार। विरह की लीला हो गई, अब विलास की लीला होगी, मिलन की विलास, और वो हमारे लिए धाम धनी का मानो खेल होगा, इश्क का खेल होगा। और ये खेल क्या है? लीला। इश्क की लीला में सुंदर सात रत हो जाएगा। बीज रूप संग निज बुद्ध, और जो वो तारतम का बीज वचन श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में कहे, बीतक में आता है ना, तारतम के कहे ये दो एक बीज वचन, वो बीज था बोने के लिए इंद्रावती के दिल में। तो अब वो तारतम ज्ञान के का जो बीज बोया, उसका धाम धनी सुंदर सात आप अच्छी तरह जान चुके हो, चलो दो मिनट में उसका थोड़ा सा निवेदन कर देता हूं। तीन प्रकार की बुद्धि इस काल माया के ब्रह्मांड में, सपने की बुद्धि, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड ही सपने का है, तो सपने के तनों के अंदर जो बुद्धि होती है वो सपने की ही बुद्धि होती है। आप और हम दिल में ये ना ले ले कि सपने के तन में कहीं और की कोई बुद्धि आ सकती है जब तक आत्मा ना हो। तो इस प्रकार से उस सपने की बुद्धि इस तन के अंदर है, और जागृत बुद्धि होती है अक्षर ब्रह्म की वहदत्त का स्वरूप, अक्षर की वहदत्त यानी योग माया के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि होता है, जिसके स्वरूप को असराफील फरिश्ता कहा जाता है। और निज बुद्धि तो परम धाम की बुद्धि, मूल अक्ल वो धाम धनी की बुद्धि होती है। तो ये वाणी जो उतरती है वो धाम धनी के इल्म के सागर की लहरें, तो कहां से उतरी? धाम धनी के बुद्धि से। और रूहें कहां बैठी हैं? इस घड़ी इस संसार में इस मानव तन पर, जो स्वप्न का तन है, स्वप्न की लीला है, स्वप्न की बुद्धि, तो उनको आगाह कर रहे हैं कि उस बुद्धि से अगर तुम इस वाणी का ज्ञान को ग्रहण करोगे तो फिसल जाओगे सुंदर सात काई। इसको ग्रहण करने के लिए जागृत बुद्धि चाहिए, बिना जागृत बुद्धि के धाम धनी के द्वारा दिया हुआ उनकी बुद्धि से निज निज यानी स्वयं का। और निज मैं वैसे भी आपको पहले बता चुका हूं, जैसे निज नाम होता है ना, तो निज कहते हैं दिल को,
धाम धनी के स्वयं के स्वरूप और उनका दिल ही मार्फत है। तो ये मार्फत का ज्ञान है और इस मार्फत के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अक्षर ब्रह्म का जो असराफील का फरिश्ता है जागृत बुद्धि, उसके द्वारा धाम धनी के हुक्म से रूहों को दिया गया है और सिर्फ उस बुद्धि से हम और आप इस वाणी को ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें मस्तिष्क का जो सपने की का लोथड़ा है, सपने का स्वरूप है, उससे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सुंदर साथ बीज रूह संग निज बुद्ध, जो इंद्रावती की आत्मा ने बीज बोया तारतम का, उसके संग धाम धनी की निज बुद्धि आ गई, यानी कि धाम का इल्म का सब सागर का स्वरूप आ गया। सो ले उठिया अंकुर, अब आत्मा, अंकुर यानी आत्मा, अब आत्मा उस बीज को लेकर वृक्ष का रूप हो गई। या जुबा इन अंकुर को क्यों कर कहूं सो नूर, अब आत्मा उस नूर तारतम से अरस परस हो गई, क्योंकि परम धाम के अंदर मार्फत वाहिद की लहरें जो वाहिदत है, जो परम धाम की अर्श की हकीकत के स्वरूप है, सभी रूहें उन लहरों का स्वरूप है और यहां पर आत्माएं इस इल्म की लहरों का स्वरूप हुआ होना चाहती, और ये तो धाम धनी के हुक्म से। तो यहां पर हुक्म और इल्म के स्वरूप हो जाती है रूहें जब उनको आत्मसात कर लेते हैं, और परम धाम में इष्ट के लहरें हैं, वाहिद की वाहिदत की लहरें, देख सकते वैसा मूल तन और यहां पे प्रतिबिंबित, यहां इल्म वहां इश्क, और यहां इल्म के अंदर सभी सागरों के रस, और परम धाम में इश्क का सागर प्रकट होता है और उस इश्क के सागर अंदर के अंदर सभी सागरों का रंग और रस होता है। सागर कभी जुदा नहीं हो सकता कि ये सागर यहां वो सागर वहां, ये सब कभी नहीं होगा। सागर तो धाम धनी के दिल का स्वरूप है और वो दिल एक है, वाहिद है, इसलिए सब सागर अरस परस। और परम धाम में जो सागरों का हकीकत स्वरूप है वो तो जल के जैसा, अर्श के जल के जैसा दिखता है, लेकिन सबका जल जाकर महानद में मिल जाता है और वो महानद मानो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, जहां सभी सागरों के रस अरस परस होते। तो वो सागर धाम धनी के दिल में अरस परस, उनके आवेश स्वरूप के दिल में अरस परस, इंद्रावती के दिल में अरस परस, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम के नाम। तो इस जुबा से आत्म के स्वरूप का, तारतम के तारतम के स्वरूप का, इंद्रावती साक्षात तारतम का स्वरूप है। इसी कलश हिंदुस्तानी में आगे 23वें 24वें प्रकरण में आपको उसका रस प्राप्त होगा, अभी तो 11वें पे चल रहे हैं। तो या जुबा इन अंकुर को क्यों कर कहूं सो नूर,
अब उसके नूर की क्या कम, वो तो रूहों के ऊपर अनवरत ढंग से बरस रहा है। सो सभी आत्माओं के चरणों में इस सुंदर सात्र का निवेदन कि उस आवेश स्वरूप को अपने दिल में हर घड़ी हर पल रखो। एक प्यार भरी बात सुंदर साथ बताना है। जब नूर की बात आई कि क्यों कर कहूं सो नूर, तो अपनी सुरता जरा घुमाओ परम धाम मूल मिलावे में, जुगल स्वरूप विराजमान है, पर आत्म उनको घेर कर बैठी है, उनके नैनों के समक्ष उनके चरणों में, चरणों में बैठने का तात्पर्य है कि उनसे अरस परस, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, जहां पर रूहों के तन के नैन खुले हैं, लेकिन दिल सपने में। अब तन के नैन कुछ भी देख नहीं पा रहे, लेकिन धामधनी तो जागृत है और उनके मुख का जो नूर है वो नूर सागर है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान। यहां आसमान का तात्पर्य है कि वो मूल मिलावे के अंदर नूर का सागर समा गया और उस सागर के अंदर सभी सागर और सब सागर यानी कि परमधाम के 25 पक्ष वहां खड़े हो गए। क्या करने के लिए? धाम धनी को निहारने के लिए और अपने नैनों से, धाम धनी के नैनों से इश्क का रस पान करने के वास्ते, क्योंकि सबकी खुराक तो यही परम धाम की लीला में होता है ना। चा तीजी भौम की पड़साल पे खड़े हुए सब मुजरे को आए चांदनी चौक में इश्क की ताम खुराक मिली और अपने अपने लीला में मगन हो गए, लेकिन अब सब इस मूल मिलावे में प्रकट हो और धाम धनी के मुख का जो नूर का जो आब है वो सभी ब्रह्म सृष्टियों के मुख पर छलकता है और धाम धनी उसको देखकर फिदा हो जाते और जितने भी परम धाम के 25 पक्ष मूल मिलावे के अंदर नूर के सागर में लहरा रहे हैं वो सबके स्वरूप धाम धनी के मुखारविंद के नूर की आप में झील रहे हैं और सबके मुख पर वही आप झलक। सबका मुख ज्योतित है, जन्म कहता है। और जब हमारी आत्मा ऐसे सुंदर मूल मिलावे के स्वरूप धाम धनी के मुख को देखती है, अपने मूल तनों के मुख को देखती है, परम धाम के स्वरूप के मुख पर देखती है, सब चेतन है और सब को धामधनी समान रूप से अपने दिल नूर का सागर यानी धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। वो ऐसा दिल है, वो ऐसा सागर है जिसके अंदर सभी सागर लहराते हैं। आत्म और परमात्म और परमधाम सब उस नूर के सागर में झील रहे हैं और आत्मा चितवन के द्वारा इस रस का प्राप्त है।
इसलिए कर पाती है कि वही नूर तारतम के रस में आत्मा इस संसार में झील कर चितवन के द्वारा मूल मिलावे में पहुंच जाती है। सुंदर साथ इस अद्भुत दृश्य को अपने दिल से कभी निकलने ना देना। क्या करूं, बीज रूढ़ संग निज बुद्ध के, धाम धनी ने उस बीज के अंदर अपनी स्वयं की मार्फत रूपी बुद्धि डाल दी। निज बुद्ध, निज यानी मार्फत, मार्फत की बुद्धि डाल दी तो वो ऐसे उगने लगा। सो ले उठिया अंकुर, वो बीज के अंदर से अंकुर निकला और अंकुर प्रकट हो गया वृक्ष के जैसे, और कहा इंद्रावती का दिल उसी का स्वरूप। इंद्रावती का स्वरूप तारतम का स्वरूप। अब इस अंकुर की तो वर्णन नहीं हो सकता, तो इल्म के नूर में झीलते हुए सुरता मूल मिलावे में रखो और धाम धनी के नूर के सागर लहराते हुए में अपने मूल तन के मुख के नूर के आब को देखो। धाम धनी के मुख के नूर के आब को देखो, जुगल स्वरूप श्यामा जी के मुख के नूर का आप तो देखो, और आत्मा भी तो उसी मूल धन का प्रतिबिंब स्वरूप है, तो वो अपने मुख को भी देख पा रही है जागृत, उसके मुख पर भी वही नूर का आप है। यहां पर नूर तारतम का आब रूहों के मुख पर ज्योतित होता है और वहां पे इश्क के नूर का आब ज्योतित होता है। ना तो यह बात जो बुझ की सो क्यों होवे चाहे, पर मोमिन प्यारे मुझको सो कर न सकूं अंतर। अब ये मार्फत का ज्ञान, निज बुद्ध मार्फत का ज्ञान, मार्फत की बुद्धि वो उस बीज में डाला तारतम ने, तो उसका अंकुर प्रकट हो गया। अब वो वृक्ष और इंद्रावती में दोनों अरस परस हो गया। तो ये जो धाम धनी के दिल की गुहतम बात, ना तो यह बात जो गुज की मूल मिलावा, सुंदर साथ जरा विचारना, हम जब मूल मिलावे की सुनते हैं तो हमें लगता है मेरा ही तो घर है। इसको अंग्रेजी में एक मुहावरा है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे एक बेटा है और उसके बाप के पास बहुत संपत्ति है, अकूट साम्राज्य, मानो वो राजा का बेटा, तो वो तो ये मान लेता है कि ये सब कुछ मेरा है, और जो दूसरा होता है वो तरसता है। तो सुंदर सा ध्यान देना, इस मूल मिलावे को टेकन फॉर ग्रांटेड ना कर ले। सत्य वचन ये हमारा है, लेकिन इस कसरत के ब्रह्मांड में, उद्दम के ब्रह्मांड में उसको ग्रहण करने के लिए कसनी तो करनी पड़ेगी।
सुंदर साथ के दिल में कभी कभी ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम तो आए धाम से, हमको तो जाना है धाम, हमें कोई बात की चिंता नहीं। ऐसा सोचोगे जुदा हो जाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत यानी वाणी मंथन पर चितवन और सत्संग और सुंदर साथ की सोहबत करनी पड़ेगी, नहीं तो वारिस होकर भी लावारिस हो जाओगे। मूल में तो वारिस हो, लेकिन आपकी करनी कुछ ऐसी हो गई कि आप लावारिस हो गए। तो सुंदर साथ लावारिस नहीं होना, वारिस की जिम्मेदारी निभानी है। तो वैसे ही कौल पहल हाल होनी चाहिए। ना तो यह बात जो बुझ की सो क्यों होवे जाहिर, ये मार्फत के रहस्य कैसे जाहिर होते। पर मोमिन प्यारे मुझको सो कर न सकूं अंतर। ये मोमिन तो ऐसे हैं कि सुधरते ही नहीं। सुंदर साथ रामायण याद है, दशरथ के चार पुत्र राजा के थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, चार छोटे छोटे बाल्यावस्था में ये अपने गुरु के आश्रम में चले गए। अब बताते तो नहीं, हो सकता पिटाई भी होती कुटाई भी होती, लेकिन जो भी होता, जब तक वो युवा नहीं हो गए, किशोर नहीं हो गए और राजा जनक के दरबार में स्वयंवर में पहुंचने के काबिल नहीं हो गए, तब तक उनको ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता रहा। थे तो वो राजा के वारिस, उनके लिए क्या था? सब कुछ था, लेकिन अर्धनग्न अवस्था में बैठकर रात रात दिन दिन तपस्या करना, वाणी सुनना, ये सब कुछ करना पड़ा ना। ये सिखापन है हम सबके लिए कि अगर राजा के अनुकूल हमें वारिस बनना है तो हमें उसी के अनुरूप ज्ञान अर्जित करना होगा, चितवन में दिल लगाना होगा और कौल फैल हाल धाम धनी के रूहों के अनुरूप यानी हमारे मूल तन के अनुरूप होना होगा। और ये सारी परिस्थिति राजी बना देते, पर मोमिन प्यारे मुझको सो कर न सकूं अंतर। लेकिन मोमिन तो मुझे बहुत प्यारे हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता कि एक को दूं दूसरे को ना दूं। दूंगा तो मैं सब, लेकिन हाथ गोड़े तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे। साम दाम दंड भेद सब लगा दे, लेकिन तुमको राजा के अनुकूल बना देंगे, तभी तुम वारिस होने के अधिकारी हुए। तो भी कहूं नेक नूर की कछुक इशारत अब, पीछे तो जाहिर होए सी तब दुनी मिलसी सब, आगे पीछे अव्वल इस कलेसी सब कोए, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन ओए।
तो बैक बेंचर बैठ के हम आराम नहीं कर सकते, हमें तो फ्रंट डेस्क पर अपने सदगुरु के समक्ष बैठना होगा पूरे अटेंशन के साथ। अटेंशन यानी अटेंटिव होना, पूरे अटेंशन के साथ गुरु के इन वचनों के यानी सदगुरु के इन वचनों को, धाम धनी के इन वचनों को दिल में लेना होगा और उसके द्वारा सुरता चितमन मूल मिलावे में लगानी होगी। तो भी कहूं नेक नूर की, यानी धाम धनी का दिल जो नूर तारतम के रूप में प्रकट हुआ है उसका थोड़ा सा बयान करती हूं, इशारा दिखाती हूं। पीछे तो जाहिर हो इसे, जब छठे दिन की लीला समाप्त होकर सातवें दिन में तुम पहुंचोगे तो सब जागृत होकर पहुंचोगे। पीछे तो जाहिर हो इसी तब दुनी मिलसी सब, तब इस दुनिया वाले अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे, ये मेरा वादा है। धामधनी फरमाते हैं। अब जो विरहा बीतक कही, इमाम मिले जिन सूल, अब फेर कहूं निज नूर की, जासो पाइए मायने मूल। सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण कर सकते, ये जो हफ्सा में छह महीने तक, छह माह इंद्रावती जी को विरह की अग्नि में तड़पाया था हम सुंदर साथ के कारण, कुछ तो शर्म करो सुंदर साथ कि हमारी संगी परम धाम की इंद्रावती जिस तन में बैठी कितना विरह में तड़पी और हम उसका खजाना लेके बैठ गए और सोचा चलो अभी तो बड़ी सांसें हैं कभी पढ़ लेंगे, अभी जरा माया का काम कर, तो वो माया का काम भी छोड़ा दिए, अब तो पढ़ लो, अब तो ग्रहण कर लो, अब तो चितवन कर लो। फिर भी दिल नहीं करता, न जाने कौन सा माया का प्रलोभन सता रहा है। ये जो विरहा बीतक गई, इंद्रावती जी खुद बता रही है कि कैसे कैसे उन छह माह के अंदर उनके साथ घटित हुआ और जैसे मेरे अंदर घटित हुआ तुम पर भी वही हाल गुजरे। इमाम मिले जिन सूल और धामधनी अक्षरातीत से के दर्शन हुए, उन्होंने वो हमारे अंदर आकर बैठे जो विरहा के दर्द से जब ये पूरा अंग अंग जल के प्रज्वलित हो रहा था। सूल यानी कांटा, चुभता था, दर्द होता। अब फिर कहूं निज नूर की, अब परम धाम के उस मार्फत के नूर की बातें बताऊंगी। जासो पाइए मायने मूल, यानी इसका सीधा साधा अर्थ है कि सत्य और परम सत्य, अद्वैत और मूल अद्वैत, स्वलीला अद्वैत और अद्वैत, वाहिद पर वाहिद यानी हकीकत पर मार्फत, निज नाम को खोल देता। नाम यानी हकीकत, नाम किसके लिए होता है? तन की पहचान के वास्ते, और निज क्या है? उस तन के अंदर जो दिल है मार्फत, तो दिल मार्फत है और तन हकीकत, तो निज है मार्फत
और नाम है हकीकत। तन को नाम चाहिए ना कि दिल को, दिल तो अपने गुणों से पहचाना जाता है। तो अब फिर कहूं निज नूर की, अब धाम धनी के बुद्धि से उतरे हुए तारतम के तारतम, तारतम को तारतम के तारतम को ग्रहण करो सुंदर साथ, तब ऐसे हकीकत मार्फत के स्वरूप का आपके दिल के अंदर रस पहुंचेगा। जासो पाइए मायने मूल, धाम धनी के दिल का जो अनंत गोहे भेद है तब आपको मिलेगा। सुनिए सुनियो रूहे मोमिनो, जो इन मासूक की विरहिन। अब आ गया ना, इंद्रावती जी ने अपनी बीतक विरह की बता दी कि मेरी संगी आत्माओं धामधनी मुझसे ऐसे नहीं मिले, 6 महीने उनकी याद में मैं रोई, सो रोऊं मैं याद कर कर, मैं रोई तड़पी दर्द में, चीखी कराही कातर मुख से पुकार, मानो चीत्कार हो रहा हो और सारा ब्रह्मांड मानो थर थर कांप रहा हो मेरे दिल की उस चीख सुनकर। ऐसी मेरी अवस्था थी। तो यहां कह रहे हैं, सुनियो रूहे मोमिनो, जो इन मासूक की विरहिन, और विरहिन का शुद्ध स्वरूप है जो इंद्रावती की अपसे की बीतक। हम लोग कोई 30 दिन बीतक सुनता है, कोई 7 दिन, कोई 40 दिन, कोई 50 दिन, कितनी भी सुनो, लेकिन अगर वो विरहा का दर्द 30 कसक पीड़ा हमारे दिल में ना आया तो ये राज्य किसको कह रहे। सुंदर साथ ये 2 चरण को दिल में धारण कर, सुनियो रूहे मोमिनो, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं जिन्होंने यहां पर इस मानव तन को धारण कर रखा है, जिसको मोमिन कहा जा रहा है, और उसके अंदर आत्मा यानी रूह विराजमान है। तन मोमिन और उस तन के अंदर आत्मा रूह, तो आत्मा और ये तन एक तरीके से वो पहचान हो जाती है जब रूह को ही मोमिन कहते थे। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, समझ रहे ना सुंदर साधना। सुनियो रूहे मोमिनो, अगर आप मोमिन हैं परम धाम के और आपके अंदर वो आत्मा है, तो मैं दृढ़ता से कह सकती हूं, इंद्रावती जी फरमा रही, महामती जी फरमा रही है कि आप अपने मासूक अक्षरातीत की विरहिन है। तो सोचो, आपको मान लो पढ़ाई में गोल्ड मेडल ना मिला हो और सारी दुनिया में कहते फिरो कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो झूठे होगे ना। तो ये यहां पे उन्हीं रूहों को पुकारा जा रहा है जो विरहा में गल रही होती है। बिना गले ढिंडोरा पीटते रहो कि मैं मासूक की विरहिन हूं तो गलत हो जाएगा। जो चाहे मेहदी मोहम्मद को कहूं वचन,
मेहदी मोहम्मद जुगल प्राणनाथ जो साक्षात इंद्रावती के दिल में अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है, वही इमाम मेहदी का स्वरूप, मेहदी और मोहम्मद का स्वरूप। मोहम्मद यानी वो धामधनी का हुक्म जो रूहों को जागृत करने का हुक्म लेकर आया। मैं ताए कहूं वचन और मैं उस वचन को कह रही हूं जो धाम से निज बुद्धि से उतरा है। जो रूह कहा वे अर्स की सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकले विचारियो मैं कहती हूं अर्स सुनो। तो सुंदर साथ आज इसी 15 नंबर की प्रकरण 11 कलश हिंदुस्तानी की चौपाई पर हम सब मिलकर विराम करें। चारों तरफ सागर ही सागर है इल्म का और उसके बीच में ये टापू है जिस पर आज कलश हिंदुस्तानी के 15वें चौपाई पर हम सब सुंदर साथ विराजे और चारों तरफ इल्म के सागर रूपी नूर के जल में जीने। तो सुनियो रूहे मोमिनो जो इन मासूक की विरहें, जो चाहे मेहदी मां यानी जो अंग सौंपे इंद्रावती को, मैं ताए कहूं वचन उनको मैं इस निज बुद्धि के ज्ञान से नवाजूंगी। तो बोलिए श्री श्री